स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी का वक्त है, आखिरी डेढ़ घंटा बाकी है इस महीने और इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी का। इसके बाद हम फिर नए एक्शन की तरफ बढ़ेंगे, बट कल है छुट्टी इसलिए आज ही हो रही है एक्सपायरी। और थोड़ा मूड माहौल बाजार का बेहतर है, सुबह से ही हम देख रहे हैं बाजार का मूड थोड़ा अच्छा ही बना हुआ है। एक बार के लिए डिप आया था, पर उसके बाद जो बाजार संभले हैं फिर सुबह से संभले हुए ही आपको दिखे हैं। ब्रेथ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, बट हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, छोटा छोटा ही सही, हर स्टॉक का थोड़ा थोड़ा आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल अच्छा है, कोई रनअवे गेंस नहीं आए हैं, बट ठीक ठाक आप एक्शन देख रहे हैं। आइए फिर समझते हैं इस एक्शन को। सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या हैं उस पर नजर डालिए। फिलहाल 75 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है, 17,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, ये अच्छी बात है। निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 300 अंकों की मजबूती दिख रही है, 39,850 के ऊपर अभी अभी आपको बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें थोड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में आपको थोड़ा दबाव जरूर दिख रहा है, बट इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर जैसे मैंने कहा आपको मजबूती की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और बैंक्स का तो बढ़िया योगदान है, आज सुबह से ऑटो में थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है, चुनिंदा मेटल शेयर्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ी रैली बनी हुई है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी आपके 1-1.5% ऊपर है और इन सब के बीच आए हैं 225 अंकों का उछाल आपको डाउ फ्यूचर्स में इस समय दिख रहा है। और यूरोप के बाजार भी लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 0.5-1% ऊपर है। तो बाजार का मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है। हमारे बाजार थोड़ा अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो हल्का अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी अभी अभी थोड़ा अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। देखते हैं यहां से कैसी चाल पकड़ता है। 300 अंकों की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइए उससे पहले एक बार नजर डाल देते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर और साथ ही आने वाले दिनों के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पर भी। नुपुर अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून, आज से शुरुआत करते तो फर्स्ट सोर्स और टोरेंट पावर FNO में आज उनका आखिरी दिन है, तो ये दोनों स्टॉक आज फोकस में। हिंदुस्तान जिंक जहाँ पे शेयर होल्डर्स के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर आज बैठक है, तो ये स्टॉक पर भी है आज नज़र। सिरका पेंट्स जहाँ पे बोर्ड बैठक अब फिलहाल चल रही है बोनस इश्यू को लेकर, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में है। डू नॉट एक्सरसाइज जो ऑप्शन है ऑप्शंस में, वो फैसिलिटी स्क्रैप हो जाएगी आज के क्लोजिंग से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और निफ्टी के कई इंडेक्स में सेमी एनुअल रिव्यू के चलते बदलाव जो होने वाले हैं वो आज की क्लोजिंग से हो जाएंगे लागू, तो सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में हैं। कल सबसे इंपॉर्टेंट रामनवमी के उपलक्ष्य में ट्रेडिंग हॉलीडे है, मार्केट्स बंद रहेंगे। उसके अलावा एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करने वाली है। ग्लोबल से इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, यूएसए की बात करें तो चौथे तिमाही के GDP के डेटा आते दिखेंगे और यूरोप से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मार्च के महीने का आते दिखेगा, दोनों ही बाजार के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले। फ्राइडे की बात करें जो 31 मार्च लास्ट डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जहां पे रेडियंट कैश मैनेजमेंट जिनका 90 डेज का लॉक इन होता है 50% वो खत्म हो जाएगा। अजंता फार्मा जहां पे बायबैक ओपन होने वाला है, 1425 रुपये का प्राइस है, टेंडर ऑफर के थ्रू 22 लाख शेयर्स बायबैक में दिए जाएंगे। वेल्समैन एंटरप्राइजेस बायबैक की जो प्रक्रिया है जो 16 मार्च को स्टार्ट हुई थी वो 31 मार्च फ्राइडे के दिन बंद हो जाएगी। टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक किया गया 200 रुपये के भाव पर। FNO कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें जो नए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो नए स्ट्राइक्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती दिखेगी 31 मार्च से। एक्स डेट के चलते IGL जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 10 रुपये का, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ डीमर्जर होने वाला है लैंड एंड एसेट का, उसके चलते ये स्टॉक ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट में आ जाएगा फ्राइडे के दिन से, तो यहाँ भी एडजस्टमेंट है, इसकी भी एक स्टेट है, तो ये स्टॉक भी फोकस में। BSE इंडस्ट्रीज की बात करें तो BSE 500 में कुछ बदलाव होंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन जो डीमर्जर के चलते बाहर हो जाएगा BSE 500 से, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप से, और जो जुड़ेगा वो है NMDC, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। एक्सटेड और रिकॉर्ड डेट के चलते गोदावरी पावर्स पाथ भी फोकस में, क्योंकि बायबैक के चलते उसकी एक्सटेडेड टेंडर ऑफर के थ्रू 500 रुपये के भाव पे 50 लाख शेयर्स दिए जाएंगे। ग्लोबल की बात करें तो UK से चौथे तिमाही के GDP के आंकड़े आते दिखेंगे फ्राइडे के दिन। यूरोप से CPI का डेटा आएगा मार्च के महीने का। और जापान की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है फरवरी के महीने का, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं आने वाले कुछ दिनों में। मंथ एंड है और उसके बाद नए फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत है, तो ट्रिगर्स की तो कमी रहने नहीं वाली है। आइए जानते हैं आज की कुछ खबरें भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, सबसे पहले लगातार जैसे देखेंगे L&T, वहां पर खबरें आती हुई दिख रही है। कंपनी को वेदांता ग्रुप से 2 ऑर्डर मिले हैं, 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज के जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है।
ग्रैन्यूल्स इंडिया इनकी सब्सिडरी के जरिए जो है ये पैकेजिंग फैसिलिटी इन्होंने शुरू की है और यूनिट को हाल ही में अगर आप देखेंगे यूएस एफडीए से अगर आप क्लीन चिट भी है मिलती हुई दिखी थी। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ने इंडसइंड बैंक के साथ जो है निपटारा किया है और इस एनसीएलटी में निपटारे की जानकारी दी है। उसी के साथ साथ ये जो इंसॉल्वेंसी मामले की जो है 3 जुलाई को सुनवाई होनी है और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें क्वेस्कॉप 4.5% इक्विटी, मैक्स फाइनेंशियल वहां पर लगभग 1% इक्विटी जो कि 30 लाख शेयर्स हैं, आइनॉक्स विंड वहां पर भी 0.5% इक्विटी लगभग 15 लाख शेयर, साउथ इंडियन बैंक 1.5% इक्विटी जो कि 3.2 करोड़ शेयर्स, एम्फेसिस 6.5 लाख, नायका 20 लाख, ONGC 17 लाख और भेल की बात करें तो वहां पर 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके तो ये है आपके लिए सारे के सारे बड़े सौदे, खबरें उतनी ज्यादा है नहीं, चलिए एक्सपायरी पर ही सभी का फोकस बना हुआ है। हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बंसल जी, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, सचित जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में अनिल जी से भी मार्केट डेटा और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानेंगे इस समय। आशु जी, जो बाकी स्प्रेड्स हैं उस पर तो मैं आपकी व्यू लूंगा ही, बट एक बार जरा एक्सपायरी के लिहाज से थोड़ा सेटअप बता दें। आज थोड़ा बाउंस बैक का भी दिन है, डेज हाई पर आ रहे हैं 17,050 पर निफ्टी और 39,900 के ऊपर बैंक निफ्टी, एक्सपायरी के लिहाज से कैसा सेटअप बन रहा है सर? दीपांशु, आई थिंक जो एक्सपायरी है मतलब पूरे अगर आप यूनिवर्स को देखें तो लोएस्ट पे ही बंद हो रही है, तो जब भी ऐसी एक्सपायरी कोई जो होती बड़ी एक्सपायरी होती है लोएस्ट पे बंद होती है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है बना रहा है, जिस तरह की हमने प्राइस डिस्ट्रक्शन स्टॉक्स में देखी है तो थोड़ा सा तो ओवरडन होता है, यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आता है। तो मेरा जो व्यू है मार्केट का, अगर हमारे को 16,800 के नीचे जाना है तो भी बाउंस बैक आएगा और अगर हमें ऊपर जाना है तो भी बाउंस बैक आएगा। तो एज ऑफ नाउ एज इज वेरियस बेसिस पे अगर हम बात करें तो अब ये जो एक्सपायरी के जो एक्सीडेंट्स होने थे, जो स्टॉक्स खराब होने थे, मतलब काफी हद तक हो गए हैं और मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक आना चाहिए और अगले महीने का जो हमारा स्ट्रेटजी है अगले हफ्ते का वो निफ्टी का एक बुल स्प्रेड भी है और एक स्टॉक के लिए भी हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं टू स्टार्ट विद, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी शुरू होगी, बट जो अभी व्यू है दीपांशु वो बाउंस बैक का, दोनों भी केसेस में मैंने बोला इवन इफ वी हैव टू ब्रीच 16,800 नीचे जाना है तो भी एक बाउंस बैक आएगा, 17,200, 300, 400 तक आ सकता है और अगर ऊपर जाना है तो भी बाउंस बैक आएगा। तो आई थिंक जो एज ऑफ नाउ ट्रेड होना चाहिए वो लॉन्ग साइड पे होना चाहिए, तो फिलहाल जो ट्रेड है वो लॉन्ग साइड पर होना चाहिए और क्लियरली बाजार पर वो इंडिकेशन भी आ रहे हैं। थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी है बट थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, 250 पॉइंट ऊपर ऑलमोस्ट आपको डाउ फ्यूचर्स इस समय दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव बायस ही रखना जरूरी है। आपका स्प्रेड भी लेता हूं थोड़ी देर में आशु सर और बाकी स्टॉक्स पर भी बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम इस समय बढ़ रहा है। बैंक्स की तरफ से योगदान देखिए, SBI 1.5% ऊपर आ रहा है इस समय, डेज हाई पर आपको फिलहाल कारोबार करते हुए दिखेगा। जरा जय ठक्कर से बात की जाए, थोड़ा बैंक्स पे मोमेंटम जय बन रहा है और इस पर आपको रखनी है नजर। ओके जय, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक सचिन जी एक बार जरा SBI के चार्ट पर नजर डालें, 1.5% ऊपर डेज हाई पर 515 का लेवल आ रहा है। जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी 500 का एक फ्लोर बनना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में, वो पर्टिकुलर फ्लोर काफी अच्छी तरह बन चुका था एंड यहाँ से मुझे लग रहा है एक थोड़ी सी अच्छी रिकवरी होनी चाहिए काउंटर में। जिस तरीके से फिलहाल पिछले 4 दिनों का एक स्क्वीज है, वो स्क्वीज से मुझे लग रहा है एक बार ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 530-535 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 506 पे। दीपांशु, मेरे पास एक ट्रेड सेटअप भी है, आइए पिगल सचिन जी के लिए BTSWT। बताएं सर। दीपांशु, काफी सिमिलर सेटअप है बजाज फाइनेंस का एंड जिस तरीके से इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है डेली चार्ट पे एंड जिस तरीके से इसने अपने 5600 के लेवल को वापस रिकॉन्कर किया है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी अप्रैल सीरीज में। यहाँ पर मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा स्विंग ड्यूरिंग द डे नजर आ सकता है लगभग अराउंड 5700 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 5780 तक, तो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 5643 पे इन अप्रैल फ्यूचर्स। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस जहां पर आपको खरीदारी की राय है अप्रैल फ्यूचर्स के लेवल सचिन जी बात कर रहे हैं और उसी में आपको ट्रेड की भी सलाह दे रहे हैं 5700 और 5780 के। सचिन जी, पहला टारगेट 5700 का ही सर ज्यादा पास नहीं है? इनफैक्ट
जब हमने शुरुआत की थी तब ये स्पॉट किया था अराउंड 5650 के आसपास का, तो इमीडिएट बेसिस पे काफी बड़ी मूव आ चुकी है। तो इंट्राडे मुझे लग रहा है 5700 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली बनना चाहिए, बट ये पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड ही रखनी है। मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक रिकवरी यहाँ पर ऑलरेडी इनिशिएटेड है एंड आई थिंक 1 से 2 दिनों तक इसका इफेक्ट नजर आना चाहिए। सो 1 से 2 दिनों तक आपको इसका इफेक्ट जरूर दिखना चाहिए, स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। हिमांशु जी भी हैं हमारे साथ, और हिमांशु जी मुझे याद है हफ्ते की शुरुआत में सीमेंट स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहे थे और तब अल्ट्राटेक की आपने बात करी थी, आज अच्छी मूव आ रही है अक्रॉस सीमेंट और अल्ट्राटेक भी बढ़िया मोमेंटम है। 7550 का लेवल अल्ट्राटेक ने क्रॉस करा है, जरा देखें सर 52 वीक हाई पर अल्ट्राटेक ट्रेड कर रहा है, क्या करना है अब इसमें? दीप, ड्यूरिंग द वीक मैंने इसको 2 बार रिकमेंड किया है और रीजन यही था कि ओनली हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने हाइज के आसपास सस्टेन कर रहे हैं और मुझे लगता है आज ये वीकली बेसिस पर जिस तरह का ब्रेकआउट, नॉट वीकली बेसिस पर बट एक्सपायरी के बेसिस पर जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर बाजार थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक 8000 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो पोजिशनल बेसिस पर तो डेफिनेटली हर डिप पर खरीदारी करके चलेंगे। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी डिप इसमें वापस से मिलता है 7480 7450 के जोन पे तो काफी अच्छे लेवल्स हैं, पोजिशनली 7420 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंटरडे के लिहाज से बिल्कुल बने रहे, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो आपका रहना चाहिए 7520 के नीचे का और मुझे लगता है कि फ्राइडे तक यहाँ पर 7650 7700 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी आपको आते हुए दिख रहा है, बैंक्स की तरफ से भी तेजी बन रही है। प्राइवेट बैंक्स तो थोड़ा एक्शन में थे ही, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मूव में है। एसबीआई की अभी हम बात कर रहे थे उस पर रखिए नजर, बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर भी रखिए नजर 2% ऊपर है, एक्सिस बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, पीएनबी में अच्छी खरीदारी हो रही है, तो बैंक्स में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। आइए लेते हैं आशु जी से उनकी बाजार की स्ट्रेटजी और स्प्रेड, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, नेक्स्ट वीक की जो ये 6 अप्रैल की है, हमारे को 17000 की एक कॉल लेनी है और 17200 की 2 बेचनी है। ये कॉस्ट आएगी दीपांशु 37-38 रुपीज में, जो कि आई थिंक फ्यूचर भी चल रहा है 1738-40, तो मैं वर्चुअल 38 रुपए लगा के मैं फ्यूचर ले रहा हूँ और मैं बाउंस बैक के लिए प्ले कर रहा हूँ कि जो मुझे 17200-250-300 तक भी जा सकता है, बट पहला पड़ाव 17150-200 होगा। तो अगर 200 चला जाता है 200-250 तो हमारा पीक प्रॉफिट होगा इसके अंदर। कल छुट्टी है तो परसों मतलब नेक्स्ट वीक के लिए है ये, और इसकी कॉस्ट है 38 रुपए, सेफ कहाँ तक है 17400 तक। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्प्रेड है और जो एक्सपेक्टेड बाउंस बैक है, जैसे मैंने बोला जो हमारा व्यू है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो भी बाउंस बैक आना है, ऊपर जाना है तो जाने के चांसेस बन ही जाएंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलना है। इतनी लंबी बात तो करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और कभी रेंज टूटने वाली होती है कभी नहीं टूटती है। स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है दिमाग, तो ये पहला स्प्रेड है जो निफ्टी का है। और एक और स्टॉक का स्प्रेड है दिमाग, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, अभी आप बैंकिंग की बात कर रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक बैंक की अप्रैल की 1700 की एक कॉल लेनी है और 1740 की एक कॉल ही बेचनी है। कोटक का स्प्रेड 1:1 है दीपांशु, इसका कॉस्ट आएगा 20-21 रुपए और मुझे लगता है कि ये वाला पैसा भी डबल हो जाना चाहिए। तो सेफ ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं और मतलब इन दी लाइट ऑफ इधर साइड बड़ी मूवमेंट भी आ जाए तो दोनों ट्रेड, मतलब वो वीकली ट्रेड है वो मंथली ट्रेड है, तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ दीपांशु, मतलब हम बात तो करते रहते हैं, मार्केट व्यू टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं, और जो नेक्स्ट वीक का अभी तक का लग रहा है वो बाउंस बैक वाला व्यू है, उसमें निफ्टी का एक बुल स्प्रेड विच इज 1:2 17-17200 और कोटक बैंक का 17-17 1700 और 1740 1:1 बुल स्प्रेड है। बैंक निफ्टी पर कोई व्यू आशु जी, लीडरशिप दिखा सकता है बैंक? दीपांशु देखो, दिखा तो रहा है लेकिन एक्चुअली क्या कि जितना वो लीडरशिप दिखाता है उतना भी ग्लोबल न्यूज से जो वल्नरेबिलिटी है ना वो बैंक निफ्टी में ही है। तो इसलिए अगर हम उसका बैंक निफ्टी का 500 पॉइंट का 1:2 का स्प्रेड बनाते हैं दीपांशु, तो उसकी कॉस्ट बहुत लगती है, और अगर रिस्क रिवॉर्ड देखने जाते हैं तो अभी भी फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा सा ना मतलब उसमें जिस तरह का मतलब एक कैलकुलेटेड स्प्रेड में बनाने की कोशिश करता हूँ या जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होने चाहिए, बैंक निफ्टी में निकल के नहीं आ रहा। हाउएवर हैविंग सेड दैट, व्यू उसमें भी पॉजिटिव है। आज अगर आप देखें तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी सारा दिन पॉजिटिव रहा है, निफ्टी ने तो अब मूव दी है, बट मुझे लगता है कि निफ्टी के भी सारे कंपोनेंट्स वीक थे, सारे वीक हैं भी, लेकिन वो क्या होता है ना दीपांशु, जब इतनी बड़ी कटान होती है थक के, लॉस के डर से, फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से,
टायर्ड बुल सिंड्रोम जो होते हैं, जब वो कटते हैं फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो वहां से मार्केट वैसे ही एक बाउंस बैक लेती है, क्योंकि टाइमली कटता नहीं और लास्ट में जाके कटता है, तो वो बाउंस बैक अभी प्ले करना चाहिए, विच विल बी मोर विजिबल इन निफ्टी एज अ होल। तो ये है आपके लिए राय। बैंक्स अभी भी थोड़ा वल्नरेबल हैं क्योंकि न्यूज फ्लो से ज्यादा रिलेटेड हैं, बट फिर दो तीन दिनों से न्यूज फ्लो भी बैंक्स की पॉजिटिव ही रही है, एटलीस्ट जहां तक अमेरिका का सवाल है, थोड़े संभले हुए दिख रहे हैं बैंक स्टॉक्स। देखते हैं अगर हमारे बैंक्स भी लीडरशिप दिखाएंगे कि नहीं। 39,900 पर आपको बैंक निफ्टी जरूर दिख रहा है, डीएस हाई के आसपास कारोबार होते हुए दिखेगा। एनबीएफसीज में भी बड़ा अच्छा मूवमेंट है, पिरामल एंटरप्राइजेस आज सुबह इस काउंटर की बात हो भी रही थी, श्रीराम जनरल फाइनेंस में ये टीपीजी के साथ अपनी हिस्सेदारी बेचने की भी बात कर रहे हैं। बंसल जी एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस देखें सर, डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है और अच्छी बात है सुबह से एक्टिव रहा है, जो मिड डे बाजार में डिप आया था उसमें भी इस स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 4% ऊपर। ये दिवांशु देखें तो कंटिन्यूअस गिरावट के बाद स्टॉक कल के हाइस के ऊपर, ना सिर्फ कल के हाइस के ऊपर निकला है, डे बिफोर यस्टरडे के भी हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है, और शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक मोमेंटम यहाँ बन सकता है। 659 के अराउंड चल रहा है, 645 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस बैठा है दीपांशु, और टारगेट 673 से लेकर 678 का जोन है, तो पिरामल एंटरप्राइजेस को इन स्तरों पर बाई किया जा सकता है। पिरामल एंटरप्राइजेस पर आप इन स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं। M&M फाइनेंस भी सुबह थोड़ा एक्टिव दिख रहा था, इंडिया बुल्स हाउसिंग में खरीदारी आ रही है, बैन से भी अब बाहर आ गया, दो दिनों से बैन में भी नहीं था ये काउंटर। मैक्स फाइनेंशियल में भी हमने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है, तो चुनिंदा NBFCs हैं जो ऑफकोर्स मूव कर रही हैं। आशु जी कैसे समझे जाए इस मूव को सर, ये एक्सपायरी रिलेटेड थोड़े एडजस्टमेंट्स हैं या फिर यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार का लौट सकता है एटलीस्ट ट्रेड के हिसाब से? दीपांशु ये जो NBFCs है ये थोड़ा सा वीक विकेट पे आ गए हैं, और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डेट म्यूचुअल फंड के साथ हुआ है टैक्सेशन वाला, अगर डेट म्यूचुअल फंड में रिडक्शन होती है दीपांशु तो उसका NBFCs पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि NBFCs का जो सबसे ज्यादा अच्छा मेजर बोरिंग होता था वो म्यूचुअल फंड से होता था। तो आई थिंक अगर ये थोड़ा सा अर्ली होगा कि इसका रेप्ली मतलब क्या इफेक्ट आता है, तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ प्राइमर फेसिस तो मुझे लगता है कि नेगेटिव है, क्योंकि वो सोर्सेज ऑफ फंड्स पर मेजरली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैं अभी मतलब आई वुड नॉट स्टिक माय नेक आउट के नहीं अब घट गए हैं तो मुझे NBFCs देने हैं, NBFCs में मेरा व्यू कॉशियस रहेगा और मैं देखना चाहूंगा, और ऐसे भी कोई NBFCs में कोई बहुत मारामारी नहीं हो रही है, आई मीन दीपांशु देयर आर मच बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो पहला तो सबसे पहला मैं बोलता हूँ हमेशा इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, आप फिर किसी गलत स्टॉक में या किसी ऐसे थीम में या किसी सेक्टर में फंस जाएंगे या मतलब अंडर ओनर अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। सो आई थिंक एट बेस्ट इंडेक्स या फ्रंट एंड के साथ रहना चाहिए, NBFCs में मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, अभी भी थोड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। वैसे आज थोड़ी एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट मूव भी आ सकते हैं, देखते हैं नई सीरीज की शुरुआत में हम NBFCs पर कैसा एक्शन देखते हैं, बट डेज हाई पर बाजार है ही। इस बीच कुछ खबर आ रही है, हालांकि बाजार का इस पर इससे कोई लेना देना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको जाननी चाहिए। गूगल, आपको याद होगा इस पर कुछ समय पहले NCLT ने करीब 1340 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाई थी अपनी जो इनकी एंड्रॉयड मार्केट में डोमिनेंस है उसको अब्यूज करने के लिए, उसका अनचाहा फायदा उठाने के लिए यहाँ पर एक पेनल्टी लगाई गई थी। फिर गूगल ने अपील किया NCLAT ने, और NCLAT ने भी ये फाइन अपहोल्ड कराया, यानी कि गूगल को ये फाइन पे करना पड़ेगा, ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बरकरार रखी गई है। ये आपके लिए अपडेट आ रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर जो पेनल्टी लगाई थी वो बरकरार रहेगी। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी, ओके थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है हिमांशु जी के साथ, उनके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बात गूगल के डोमिनेंस की चल रही थी बट नेटवर्क डाउन हिमांशु जी का हो गया, एनीवे वहां पर थोड़ा फोकस हम करेंगे। आइए तब तक जो एक बड़ी खबर है उस पर भी करेंगे फोकस, और जो बाजार में मूवमेंट आ रहा है उस पर भी नजर डालने की जरूरत पड़ रही है इस समय। एक दो और काउंटर्स पर सडनली एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है, जरा इन पर भी रखे नजर। सीमेंट स्टॉक्स का जो योगदान है वो थोड़ा और बढ़ते हुए आपको दिख रहा है इस समय एक्शन में है। सचिन जी, सीमेंट स्टॉक्स अभी बात चल रही थी, दालमिया भारत आई थिंक इस पर आपका व्यू भी था थोड़े समय पहले, जरा अपडेट दीजिए इस कॉल पर, क्या करना है ये भी बताइए। 4.5% ऊपर इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है।
जी दीपांशु, दीपांशु इनफैक्ट मंडे के सेशन में हमने ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप हाईलाइट किया था ऑन द पॉजिटिव साइड। 1930 का इसका टारगेट था, वो टारगेट जरूर अचीव हुआ है, बट कहीं जाकर जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में ये पूरे पॉकेट में एक आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है अप्रैल सीरीज में ये आउट परफॉर्मेंस बरकरार ही रहनी चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसने कॉन्फिडेंटली 1900 के ऊपर के स्विंग्स आज बनाए हैं, तो ये जो इमीडिएट हर्डल है अराउंड 1950 का, आई थिंक वो भी पर्टिकुलर हर्डल पार होना चाहिए एंड एक अच्छा स्विंग बन सकता है 2000-2060 तक का। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वो डिक्लाइंस हेल्दी होंगे एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए लगभग अराउंड 1850 पे, एंड फ्रेश पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी दालमिया भारत जैसे फ्यूचर ऐड करने की राय है दालमिया भारत। तो अभी सचिन जी बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय दे ही रहे थे और अब साथ में आपको दालमिया भारत पर भी रखनी है नजर जहां पर एक्शन बन रहा है। अनिल जी भी हमारे साथ हैं और सर सही टाइमिंग रही, एकदम डेज हाई पर आप जुड़ रहे हैं बाजार में, अच्छा खासा एक्शन बन रहा है, वही बात चल रही थी अभी, पार्टिसिपेशन थोड़ा बेहतर हो रहा है इस समय। थ्रू द डे हमने देखा कि बाजार में उतार चढ़ाव बना है, बट जो आफ्टरनून डिप था उसके बाद बढ़िया रिकवरी आई है। कोई भी ऐसे रनअवे सेक्टर या रनअवे नेम्स नहीं आ रहे, बट पार्टिसिपेशन लगभग सभी जगह से आ रहा है, ये अच्छी बात है दीप। और आमतौर पर एक्सपायरी के दिन अगर आपको सिर्फ शॉर्ट कवरिंग देखनी है तो फिर आप कुछ दिग्गजों में खरीदारी देखते हैं, या फिर निफ्टी का आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा, बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा और वो वहीं पर एक्शन लिमिटेड रहेगा। आज सुबह से हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं, आपको याद होगा हम सुबह कह रहे थे आज डिस्टिंक्टिवली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़ा बेहतर दिख रहे हैं। अब कहने के लिए हम कह भी सकते हैं कि भाई आज और शुक्रवार दो ही तो दिन है अगर एनएवी के लिहाज से किसी को खींच, लेकिन अगर यही मामला होता तो कल 150 करोड़ की लोकल फंड्स की बिकवाली का आंकड़ा नहीं दिखता आपको। यानी कि सिर्फ एनएवी मैनेजमेंट के हिसाब से आप इस तेजी को अगर थोड़ा सा डिस्कार्ड करने की कोशिश करें या इसको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो मैं सहमत नहीं हूँ। देखो तेजी तो तेजी है और मजबूती आ रही है, और बढ़िया बात यह कि बजाय सिर्फ मजबूती इंडेक्स में लिमिटेड होने के ब्रॉडर मार्केट में आ रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मसलन 17,050-17,150 ये आपके लिए ऊपर की रेंज है, आज के लिए रुकावट की रेंज है जहां आप पहुंच रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए वही 39,900-40,075 ये रुकावट की रेंज है। सो अपर बैंड को आप टेस्ट कर रहे हैं और अगर इस अपर बैंड के आसपास कहीं बैंड बंद हो जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर मजबूत हो जाए तो कहना ही क्या। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट का रुझान ठीक है दीप, और अभी मेरे पास में ऐसा कोई सिग्नल संकेत या डेटा नहीं है जिसके दम पर मैं ये सोचूं कि बाजार बहुत कमजोरी के साथ बंद होंगे एक्सपायरी के बावजूद। इनफैक्ट थोड़े सिग्नल्स जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ बाजार बंद होने की कोशिश कर सकते हैं। अभी मैं शब्द का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊंचाइयों की तरफ, क्या दिन की ऊंचाई पर बंद होंगे, दोनों में फर्क है, ऊंचाई की तरफ में बंद होना और ऊंचाई पर बंद होने में बहुत फर्क है। करेक्ट, वो मैं 2:30 बजे के डेटा में आपको बताऊंगा जिसके मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। तब तक आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी आशु जी से इंस्पायर होके स्प्रेड स्प्रेड देना है मुझे, बीएस स्प्रेड, और वो देना है विदांता में। मेरा मानना है स्प्रेड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आशु जी तो बुल स्प्रेड दे रहे हैं, इंस्पायर तो ढंग से हो आप। नहीं अनिल जी, बीएस स्प्रेड भी इक्वली देते हैं ना। अच्छा बताइए बताइए सर। जी मेरा मानना है अनिल जी वेदांता का ट्रेंड जो है वो वीक है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से वापस बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो 280 का पुट लेकर 260 रुपए का पुट बेचना है यहाँ पर, ये जो स्प्रेड है लगभग 7 रुपए में बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। यहाँ पर 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगर ये व्यू सही बैठता है तो मुझे लगता है यहाँ पर 13-13.5 रुपए के टारगेट्स जो है स्प्रेड में देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि आगे चल के वेदांता जो 265-268 पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है ये ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है और 250 की तरफ आने वाले हफ्तों में फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो इस व्यू को ट्रेड करने के लिए मैंने बीएस स्प्रेड सुझाया है जहां पर 280 का पुट लेना है एक लॉट और उसके सामने 260 का एक पुट सेल करना है। 280 का पुट लीजिए, 260 का बेचिए और बीयर स्प्रेड बनाइए। वाह क्या बात है ट्रेंड हिमांशु जी, मतलब क्या और डेज हाइपर बेयर स्प्रेड, लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं आप एकदम, मतलब 3% ऊपर वाले स्टॉक मजबूत बाजार में बेयर स्प्रेड, मतलब इरादा क्या है आपका आज? अनिल जी देखिए एक तो एक्सपायरी है आज, ऊपर से कल छुट्टी है, फिर अगले एक दो हफ्ते भी ट्रंकेटेड वीक है, तो अनिल जी आपको पता ही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में कब ऊपर का नीचे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नहीं जा रहे आप? जा रहे हो?
ये बात है ना निखिल, अब मैं इससे ज्यादा क्या एक्सपर्ट्स को पहचान सकता हूँ। बात करने के अंदाज से लगे आदमी छुट्टी पे जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एंजॉय, आइए तब तक हम एंजॉय करते हैं। आशु जी की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आ रही है आपके लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु जी फरमाएं सर। अनिल जी मैंने निफ्टी का स्प्रेड और कोटक का दिया था, दीपांशु ने बैंक निफ्टी पूछा तो दीपांशु से क्या कहते हैं मोटिवेट होके और हमारे रिसर्च ने शायद दीपांशु की बात सुन ली, तो एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड अनिल जी 40,000 की अगले हफ्ते की एक कॉल लेनी है और 40,300 की एक ही बेचनी है बैंक निफ्टी में। तो 40,000 40,300 1:1 का बुल स्प्रेड है बैंक निफ्टी में। इसकी कॉस्ट है 130 रुपए और इनकी टारगेट है 150, मतलब 130 वाला 300 के करीब होना चाहिए, डबल से ऊपर के पैसे आने चाहिए इसमें। और इसका स्टॉप लॉस अनिल जी अभी नहीं है, हमारा लेवल है कि अगर 39,400 बैंक निफ्टी टूटेगा तो हम इससे निकलेंगे, बट वो मैं ऑब्वियसली आपके साथ तो बातचीत होती रहती है, मतलब लाइव भी है मैसेज के थ्रू, तो मैं इसको अपडेट तो जरूर करूंगा क्योंकि मैं मतलब नॉर्मली भी सब अपडेट करता ही हूं। तो ये अनिल जी बैंक निफ्टी का 1:1 का बुल स्प्रेड है, निफ्टी का 1:2 का बुल स्प्रेड था और कोटक बैंक का 1:1 का बुल स्प्रेड है। और थीम वही है अनिल जी कि अगर घटना भी है बाजार को तो भी बाउंस बैक होना और अगर थोड़ा बढ़ना भी है तो एक बार ऊपर जाना है। और वैसे भी मारामारी के बाद अनिल जी इतनी टूटा फूटी के बाद एक बाउंस बैक वैसे ही आता है, तो उस बाउंस बैक के लिए हम प्ले कर रहे हैं, बाकी वीक टू वीक मार्केट देखेंगे अनिल जी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। बढ़िया है, तो बैंक निफ्टी में 40,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 40,300 का कॉल ऑप्शन बेचे, 1:1 तक में तो मैं साथ हूँ आशु जी के, तन और मन से धन का इंतजाम आप खुद करें या आशु जी से संपर्क करें। स्प्रेड उन्होंने दिया है, मेरा तो खाली सहयोग है, बाहर से वो क्या बोलते हैं ना, बाहर से बिना शर्त समर्थन वैसा वाला, आउटसाइड सपोर्ट आशु जी को। आइए बढ़ते आगे, 1 अप्रैल से गैस की नई कीमतें होने जा रही है लागू, किनको होगा फायदा किनको होगा नुकसान, कैलकुलेशन की है वरुण ने सारी की सारी आपके लिए, बताएं। तो अनिल जी जो हर हमेशा होते हैं 6 महीने में एक बार ये जो गैस प्राइस रिवीजन होता है वो होता है, इस बार बात ये है कि क्रेडिट पारिक जी ने जो कमेटी ने जो सिफारिश दी थी अब उसको लागू करने का समय आ चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं आया है, ये एक दिक्कत की बात है। 1 अप्रैल से प्राइस जो चेंज होनी है और उन्होंने जो सिफारिश दी थी वो ये था कि जो APM प्राइजेस है उसमें जो फ्लोर प्राइस होगा $4 का होगा और जो सीलिंग प्राइस होगा $6.50 के आसपास का होगा और प्रतिवर्ष जो है 50 सेंट के आसपास जो है वो इसमें बढ़ोतरी होते जाएगी। तो ये सिफारिश जो है इन्होंने दी थी नवंबर के आसपास में, कैबिनेट का अप्रूवल इसका फाइनली बाकी है जो अब तक आया नहीं, उम्मीद करते कि 1-2 दिनों में आने वाले जो 2 दिन बचे हैं उसमें कैबिनेट का अप्रूवल आ जाए। अगर इस पे कैबिनेट का अप्रूवल आ जाता है तो जाहिर सी बात है पिछले बार जो प्राइसेस 8.57 के आसपास हो गई थी वहां से शायद प्राइसेस इस बार थोड़ी कम रह सकती है, हालांकि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होगा लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस जो आपको देखने मिल सकता है। और अगर नहीं होता है यानी कि कमिटी की इस रिकमेंडेशन को नहीं माना जाता है तो दिक्कत हो सकती है, तो जो गैसेस की प्राइसेस है उसमें 25% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, करीब $10.7 के आसपास या उससे ऊपर भी जो है ये गैस प्राइसेस जा सकती है। अब देखिए नो डाउट जनवरी दिसंबर के एंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जो गैस की कीमतें हैं उसमें गिरावट देखने मिली थी, लेकिन गैस की कीमतें जो कैलकुलेट होती है उसमें 6-6 महीने का टाइम पीरियड लिया जाता है, यानी कि जैन से जून और जून से दिसंबर का, इसके लिए 3 महीने के लैग से दरअसल ये जो प्राइसेस है उनका कैलकुलेशन होता है। इसके लिए जो प्राइसेस गिरी है उसका पूरा असर जो है फिलहाल देखने नहीं मिलेगा और अगर क्रेडिट पारिक जी की कमेटी के ओवरऑल रिकमेंडेशन माने गए तो सिनेरियो कुछ और ही होगा। किसको फ़ायदा होगा अगर गैस की कीमतें घटती है, तो देखिए 3 इंडस्ट्री है जो कि गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, एक जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ कुल 32% के आसपास, फर्टिलाइजर 26% के आसपास और पावर कंपनियाँ जो है कुल गैसेस में से 22% के आसपास का इस्तेमाल करती है। और खासकर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, माना जाता है कि $1 भी गैस की कीमतें इधर उधर होती है तो CNG के दाम में 4 रुपये प्रति किलो के आसपास का चेंजेस होती है। इसके अलावा जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जाहिर सी बात है अगर दाम बढ़ेंगे तो इनको फ़ायदा होगा, घटेंगे तो इनको नुकसान होगा। अगर $1 भी गैस के प्राइस चेंज होते हैं तो ONGC के एबिटा में 4,500 करोड़ और ऑयल इंडिया के एबिटा में 400 करोड़ के आसपास का फर्क पड़ता है। इसके अलावा टेक्सटाइल फर्टिलाइजर पावर कंपनीज जो है वहाँ पे नजर रखेगा, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यही होता है। तो आने वाले 2 दिन काफ़ी क्रूशल है, देखना होगा कि फाइनल अप्रूवल मिलता है कि नहीं, क्या हम नए जो गैस प्राइसिंग फार्मूला है उसको लेके आगे बढ़ते हैं या फिर पुराना फार्मूला है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर पुराना फार्मूला लिया तो इस बार नुकसान होगा,
आने वाले समय में हो सकता है कि आपको उसका फायदा मिले, और नया फॉर्मूला लिया तो इस बार फायदा हो जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में नुकसान हो। ओहो हो जितना आपने शुरू किया था उतनी जब समझती अभी भी उतनी है हमारी सेम वहीं के वहीं है, मतलब हमारे नॉलेज में कमी नहीं हुई। ओके हाँ बड़ी नहीं, अलग बात है कभी नहीं। अब मुझे ये बताओ कि किरीट पारिक साहब क्या कह रहे हैं? अनिल जी जो एपीएम प्राइसेस है गैस की, उसका उन्होंने एक फ्लोर और सीलिंग रखा था, बराबर है ना? फ्लोर $4 का था, सीलिंग $6.50 की, बराबर है ना? तो एपीएम गैस की जो होता है उसको कंबाइन किया जाता है इंटरनेशनल गैस के साथ, करेक्ट, और उसके बाद आपके जो नॉर्मल प्राइसेस है नेचुरल गैस के वो आते हैं। अब जब यहाँ पे सीलिंग और फ्लोर रखा गया है, अब इंटरनेशनल प्राइसेस को जब ब्लेंड करेंगे इसके सीलिंग और फ्लोर के साथ, तो होगा ये कि अगर अभी ब्लेंड किया तो ये जो $8.50 के आसपास है इसके आसपास इससे थोड़ा कम ही आएगा, ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, वो लागू किया तो $8 का दाम होता है, करीबन करीब $8.50 बराबर है, जबकि क्रेडिट पारिक साहब कह रहे हैं $6.50 के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हाँ $6.50 के ऊपर, हाँ, तो उसके बजाय $2 ज्यादा भी हो सकता है, हाँ, अगर वो उनकी राय मान ली तो, हाँ, बराबर है, मान तो लिया नहीं जी, कैबिनेट का अप्रूवल बचा है। हाँ मान लिया, अब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, बोला कि भाई चलो ठीक है जो पारिक साहब कह रहे हैं वो सही था, तो गैस के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे $8.50 ना, आप $8.50 अभी है, अच्छा अभी साढ़े आठ है, और तो $8.50 कम हो जाएंगे तो फिर $6.50 आ जाएंगे, हाँ उसके आसपास आ जाएंगे, क्योंकि एपीएम गैस प्राइसेस का उन्होंने कहा था कि $4 से $6.50 रहना, फिर $6.50 से ऊपर रख नहीं सकते, हाँ $6.50 से ऊपर रख नहीं, उनकी बात मान लिया तो स्टील कंपनियों को थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है राइट, नुकसान किसको होगा? ONGC ऑयल इंडिया इनको। अच्छा अब समझो उनकी बात नहीं मानी तो उनकी बोले कि तुम्हारे साइड में रखो, हाँ। अभी कैबिनेट वो अप्रूवल नहीं दे रही पारिक साहब, अभी अप्रूवल नहीं दे, तो गैस दूसरा सीनेरियो बताओ, $10.50 के ऊपर $11-12 भी हो सकता है, $11-12 वो हुआ ये एनर्जी क्योंकि एंड में गैस के दाम कम हुए दिसंबर के आसपास, तो पहले पुराने एवरेज लेंगे तो बढ़े हुए आएंगे, बढ़े हुए आएंगे $11-12 अगर आ गई उस हिसाब से, तो ONGC को फायदा है, ऑयल इंडिया को फायदा, ऑयल इंडिया को फायदा, बाकी गए, बाकी सबको फर्टिलाइजर को नुकसान है, पावर को नुकसान, पावर को नुकसान है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन को नुकसान है, मतलब MGL IGL, और सबसे दिक्कत की बात तो ये है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास स्पेस ही नहीं बचा दाम बढ़ाने के लिए, करेंगे क्या, पेट्रोल और उसके दाम ऑलमोस्ट सेम ही आ चुके, लेना बंद कर देंगे दोनों में से किसकी संभावना ज्यादा होने की? कैबिनेट का अप्रूवल आ जाएगा शायद, मान तो लोग यही रहे कि शायद आपको फ्राइडे तक कैबिनेट का अप्रूवल आ जाएगा, और उसके बाद जो प्राइसेस है वो क्रेडिट पारिक कमेटी ने जो दी है। अब हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दो कि गैस के दाम जो भी फाइनल हो, कितना दाम फाइनल होता है तो अच्छा या खराब? फॉर एग्जांपल $8.50 फाइनल होता है तो उसे मार्केट अच्छा खराब क्या समझेगा, $6.50 होता तो क्या समझेगा वो? अनिल जी $8.50 के नीचे जो भी होगा वो अच्छा ही माना जाए, तो मतलब गैस के दाम आपके गिरे सिंपल, और आने वाले दिनों में भी गिरेंगे। चलो ठीक है, तो $8.50 का ही टारगेट रखना है कि उसके नीचे नीचे के दाम हो जाए, तो वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बढ़िया है। MGL IGL उसमें एक और सिफारिश थी कि अगर एपीएम गैस प्राइस जो कम होती है, जो ऑलरेडी कमी है, उसको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कहा गया था कि आपको पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर्स को, अब वो किस तरह से पास ऑन करते हैं क्या करते हैं वो आने वाला समय बताएगा, IGL और MGL बता। आजकल है ना, आजकल के जमाने में जब पाइप गैस आती ना, बहुत सारी चीजें है ना पास ऑन करना बड़ा इजी होता है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप यही सिलेंडर भरवाते हैं ना, तो हर महीने डेढ़ महीने में सिलेंडर खाली होता है, उठा के ले जाओ, लाओ, भरवाओ, करो, वो फ़ोन करके मंगाओ, बड़ा झंझट रहा है। गैस प्राइस गैस से जब आती है ना, तो साल महीने में एक ही बार बिल आपको वो भी डायरेक्ट डेबिट में जाता है, तो दर्द नहीं होता उसमें पता चलता है। दूसरी चीज़, वैसे ही सेम शॉपिंग करते हो, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो, दर्द नहीं होता, फट से पैसे, और यही पैसे वॉलेट निकालो, नोट गिनो, 2200, 2300, 2400, 2500 है ना, तो बड़ा दर्द होता है करके देखना, करेक्ट करके ना, यस। सो डिजिटल होने में ये है कि डिजिटल होने में दर्द खाली एक सेकंड का होता है, जैसे स्विच होता है टक, बाद में पूरा ब्लड निकाल दिया, दो बटल निकाल दिया उसका पता नहीं चलता, खाली वो इतना सा दर्द होता है, और बाकी जो आप ऐसा ब्लड निकालो तो फिर समझ गया ना, समझ गया। ओके अच्छा बंसल जी, क्योंकि बात ब्लड डोनेशन की आई है, तो बंसल जी की विशेषता उनका फील्ड है ना, फार्मा हेल्थ। जी बंसल जी, अरे जी ब्लड डोनेशन तो सुना नहीं मेरे को, वो सिलेंडर देख के याद आया जी, एक चीज आप मिस कर गए, वो सिलेंडर लेके आना लगाना तो अनिल जी अलग बात है, उसका वजन भी करना पड़ता था, और उसको वेट अनिल जी वेइंग मशीन पे नहीं होता है, वो हाथ पे लेके उठाना पड़ता है, कहीं काम तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो काफी हेडेक होता था। ये जो न्यू जनरेशन अनिल जी को पैनलिस्ट है, इन्होंने तो वो अनिल जी वजन वाला देखा भी नहीं होगा अनिल जी, तो काफी मुश्किल था वो वाला समय।
आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी क्या अच्छी वाली, हाथ से ऐसे उठा के देखने में क्या मतलब? उसकी टेक्नोलॉजी ये होती थी कि आप सिलेंडर लेके पहले वजन करो, फिर सिलेंडर हटा के वजन अपना कर लो, तो जितना डिफरेंस निकला वो सिलेंडर का वजन। बंसल जी, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स थी, इसमें ऐसा हाथ उठा के अंदाज से करने की क्या जरूरत थी? जी कुराल जी, ये भी अनिल जी सही है, आज आप बोर्ड में है अनिल जी, आप वरुण तक की अनिल जी सीमित रहे। अनिल जी देखिए, सवाल पूछ रहे अनिल जी, मुझे तो लग रहा था वरुण जी आप सवाल पूछ रहे हैं कि उसका जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं अनिल जी। अनिल जी उस टाइम पर तो सब ऐसे ही हाथ में उठा के करते थे अनिल जी। देखो भाई, रिसर्च मजबूत होनी चाहिए और रिसर्च करने वाला भी मजबूत होना चाहिए, चार सवाल के जवाब दे पाए। जी कुणाल जी, अनिल जी देखिए, आप कह रहे हैं अनिल जी सीए और बंसल जी हमारे फार्मासिस्ट, तो अनिल जी ये फर्क तो रहेगा ही अनिल जी, आपको ये जो वजन करना है बातों का भी और इंसान का अनिल जी, ये तो आप कर ही लेंगे अनिल जी। अच्छा, हिमांशु जी की भी विशेष टिप्पणी आज। जी सर बताएं। अनिल जी एक ऑब्जेक्शन है मुझे, जो बंसल जी ने कहा ना, हाँ, कि हमारे को पैनलिस्ट ने तो देखा भी नहीं होगा, तो उनका इशारा किसकी तरफ है? न्यू जनरेशन आपके नहीं है, आपके तो आधे ही रह गए ना सर, आप तो आप पूरा हमारी जनरेशन में आगे हो। आपका तो जो मस्तक जो चमक रहा है आपका। चलिए, आपको ऐसा बुरा फील ना हो, ऐसा अच्छा भी नहीं है, ऐसा आपको बुरा लगे बोलने में, इसलिए आइए फिर मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, ताकि आपको अच्छा फील हो। सर अब आप सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताए सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी, इब्जा अवार्ड्स में धूम मचाने के लिए जी बिजनेस को, फिर आपको अनिल जी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने के लिए और मृत्युंजय को भी अवार्ड मिलने के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका हमारे सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों का टीम का पूरा योगदान है इस बेहतरीन कॉन्टेंट बनाने में और लोगों के सामने रखने के लिए, इतना प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सरी साहब जी, आप बिल्कुल अनिल जी, आज दो स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। दो स्टॉक कैश मार्केट, बताएं सर पहला वाला। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का बहुत ही एक फंडामेंटली दमदार स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डेटा पैटर्न्स, जो अभी 1324 के लेवल पे ट्रेड करता है, 1370 का टारगेट है, 1305 का स्टॉप लॉस रखना है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। ये कंपनी के क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, DRDO है, फिर HAL, BEL, फिर आपके ब्रह्मोस जो मिसाइल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। एक बहुत ही बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने, एक हाई मार्जिन बिजनेस है, पिछले क्वार्टर देख रहा था तो 40% के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। फिर हाल ही में इनको DRDO से एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन का भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इनकी इस साल के मतलब इस क्वार्टर में शुरू होने जा रही है, तो उसका भी एक फायदा होना है। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 1014 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज ऑन 31st December, और बाकी दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने, जो कि पिछले साल सिर्फ 9 करोड़ का पैट था। तो इन सबको देखते हुए मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, 1370 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1305 का स्टॉप लॉस। 1305 का स्टॉक लॉस, 1370 का टारगेट, खरीदे आप डेटा पैटर्न्स। दूसरा शेयर बताएं सर। तो अनिल जी, ग्रीव्स कॉटन में खरीदारी करने की सलाह, 125 के लेवल पे ट्रेड करता है, पहले टारगेट स्टॉप लॉस देता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट है 135 का, स्टॉप लॉस 120 रुपए का। एक लीडिंग कंपनी है जो कि मेजरली इंजिन के लिए जानी जाती है, बोथ डीजल और CNG इंजिन बनाती है, और बाकी कई सारे अलग इंडस्ट्रियल इंजिन जैसे कि माइनिंग इक्विपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, डीजल जेनसेट, इन सब के लिए भी काम करती है। और कंपनी का पूरा पूरा आजकल फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इन्होंने एक कंपनी एम्पियर व्हीकल्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया, जो कि 2-व्हीलर 3-व्हीलर के सेगमेंट में है, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हाल ही में इन्होंने जो जनवरी में नोएडा में ऑटो एक्सपो हुआ था, वहां पे 6 नए इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स भी लॉन्च करे। बाकी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छा खासा इनका प्रॉफिट मार्जिन से और अच्छा खासा पैट वगैरह, अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज करी है पिछले क्वार्टर्स में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी जो अपने हाइट से बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है और एक बहुत ही रीजनेबल लेवल्स पे स्टॉक आ गया है, मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। FISDA का भी भरोसा है, 12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें LNT है,
न्यू इंडिया एश्योरेंस है, मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 135 के टारगेट दिखा सकता है और 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। तो यह है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन खरीदारी करने की राय, 120 का स्टॉप लॉस और 135 के टारगेट, डेटा पैटर्न्स यहां पर भी खरीदारी करने की राय। सेठी साहब की तरफ से धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2:30 की स्ट्रेटजी 2:38 पर आइए लेते हैं हल्दी की स्ट्रेटजी। जी डाउ फ्यूचर्स तो आज धमाल सर, 250 पॉइंट ऊपर। नैसडैक फ्यूचर्स देखिए, 125 पॉइंट ऊपर नैसडैक फ्यूचर्स है। परसेंटेज वाइज नैसडैक फ्यूचर्स आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय डाउ फ्यूचर्स को, तो बड़ी तेजी दिख रही है वहां पर। 3-4 दिन से अमेरिकी बाजार स्टेबल भी आपको दिख रहे थे। यूरोप के बाजार 1-1.25% ऊपर है लगातार चौथे दिन। यूरोप में आपको तेजी दिख रही है अनिल जी। कच्चा तेल $79 पर आ गया है। रुपया जो आपको सुबह 15-17 पैसे मजबूत दिख रहा था, उसके बाद तो वीकनेस आई, अब आपको 15 पैसे कमजोर दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट तो बढ़िया फॉर्म में सर, बताएं हमें क्या करना है? तेजी, सिर्फ तेजी। व्यू क्लियर है दीप, कल सुबह से हमने बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लियर व्यू दिया और उस व्यू में कोई बदलाव नहीं। जब तक 16800 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक न बड़ी मंदी सोचनी है, जब तक 17200 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक न बड़ी तेजी सोचनी। अब इन दोनों व्यू के बीच में आपको जो व्यू आपको ठीक लगता हो उस पर एग्रेसिव बेट्स लेने का टाइम है। बीचों बीच में आप 17000 पर एग्रेसिव बेट्स लेने का टाइम है। अच्छा, 200 पॉइंट के रिस्क के साथ आप 200 पॉइंट गलत जा सकते हैं। अगर आपको लगता है मंदी भारी है आप 17200 का स्टॉप लॉस लगा के जितना दिल है बेचिए। ओके, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। आपको लगता है तेजी होगी, जितना दिल है खरीदिए। 16800 के नीचे क्लोज होगा, क्लोजिंग बेसिस पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए, जो कि 1% के आसपास जो होता है उतना तो आप रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है ना? तो सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला है। ये तो हो गया आपके लिए पोजिशनल व्यू आने वाले 2-5 दिनों के लिहाज से। अब आइए आज के लिए क्या है। संभावना पूरी है दीप इस बात की कि आप 17000 के नीचे बंद नहीं होंगे। आप एग्जैक्टली अभी 17000 पर ही ट्रेड करें, संभावना पूरी है। और क्यों है वो मैं बताऊं। 17000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, और 1,70,00,000 शेयर का पुट में है, 1,80,00,000 शेयर का, 80 लाख शेयरों का 17000 के कॉल्स पे, यानी कि लगभग बराबरी का मामला है। और इसीलिए 17000 के आसपास ही मैक्सिमम 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट उधर, 16950 17050 इस रेंज में आपकी आज एक्सपायरी हो जाएगी। ये डेटा आपको क्लियर कट बता रहा है। तो एक्सपायरी में अभी जिस तरह की डेटा और सिचुएशन बनी है लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी मूव ऊपर या नीचे की आएगी। अब चूंकि डाउ फ्यूचर ऑलरेडी 250 ऊपर है और कितने बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको अपसाइड भी उस हिसाब से लिमिटेड दिखती है। अगर थोड़े डाउ फ्यूचर घटकर 125-150 पॉइंट ही ऊपर रह गए तो हो सकता है आप 16950 के आसपास बंद हो। ये क्लियर है, इतना ही है डेटा में, क्लियर कट। गॉट इट। बैंक निफ्टी 39600-39700 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। 39500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर, तो आपका बेस 39500 हो गया। 600-700 की रेंज में आपको खरीदारी आएगी। ऊपर में 40000 के ऊपर आप बंद नहीं होंगे, 90,00,000 शेयर वहाँ कॉल्स में है, तो वो आपके लिए ऊपर का बेस हो गया। थोड़ा सा 39900-40000 की रेंज में सप्लाई है, 39500-39600 की रेंज में खरीदारी है। बैंक निफ्टी भी लगभग इसी रेंज में आपको बंद हो जाएगा। तो रेंज तोड़ने को बाजार बहुत तैयार नहीं है। नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं, डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट है, ऊपर ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि कॉल राइटर बैठा हुआ है और मंथली एक्सपायरी है। सो इसी रेंज में टाइम पास होगा, ज़्यादा कुछ होने जा। 3 बजे तक के जो लेवल इम्पोर्टेंट, 16950-17050, 3 बजे के पहले इसमें से किसी एक तरफ निकल कर टिक गए तो मामला सीरियस है। 16950 के नीचे निकल कर टिके तो क्लोजिंग ख़राब होगी और वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। 16950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। 17050 के ऊपर निकल कर टिक गए और क्लोजिंग 17050 के ऊपर होगी तो शुक्रवार के लिए संकेत बढ़िया है। बैंक निफ्टी 39500 के नीचे निकल कर टिके तो संकेत थोड़ा कमजोरी का होगा, तब आपके लिए 200 पॉइंट की जगह नीचे खुलती है। और 40000 के ऊपर टिके तो 200 पॉइंट 40-200 की जगह खुलती है। बहुत डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर डेटा, परफेक्ट रेंज बाउंड ट्रेड के डेटा है एकदम। अब इस रेंज से बाहर कब निकलता है, किस तरफ निकलता है, एनीबडीज गेस। ठीक है, चलिए इंतजार है। बट अच्छा मार्केट सेटअप इस समय दिख रहा है थोड़ा, हालांकि पिछले 15 मिनट में फिर से आपको ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखी है। आइए कुछ कॉल्स भी तैयार हैं, पहले बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर,
दीप, कैपिटल गुड स्टॉक ही एक ऐसा स्पेस है जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर जो स्टॉक अब रडार पर आ रहा है वो है एबीबी। मुझे लगता है कि अगर बाजार में थोड़ी भी तेजी बनती है तो ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्पॉट अभी 3405 3406 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाना है 3380 के नीचे का। पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा 3470 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 3520 रुपए का। तो 3470 और 3520 के दो टारगेट्स के लिए एबीबी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि फ्राइडे के सेशन तक ही यहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। आइए बिगुल, जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। खरीदना है जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर, ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का, जो 677.50 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें आज बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है, मल्टीपल बॉटम्स बनाया दीप इसने अराउंड द लेवल्स ऑफ 661। हालांकि इसके आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो है 668 पर। तो 668 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाए, उसका फ्यूचर्स खरीदे, ऊपर में जो टारगेट जो जिसके निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट इज 692 एंड सेकेंड टारगेट इज 705। तो 692 और 705 के लिए खरीदना है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे भी आपको फर्दर स्टॉक कवरिंग आते हुए देखने मिली थी, काफी ओवरसोल्ड है और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको देखने मिल रहा है इसके डेली और आपकी चार्ट पर, विच विल डेफिनेटली हेल्प दिस स्टॉक टू मूव। तो ये है आपके लिए JSPL, JSPL के फ्यूचर खरीदने। मुझे JSW स्टील सुन लिया मैंने, ओके JSPL, आई थिंक JSW स्टील है, JSW स्टील है ना, बिकॉज़ लेवल्स JSPL। अरे भाई ठीक करो, JSPL नहीं, हां मैं उस समय मैंने कहा मैंने गलत कैसे सुना, हां जय ने सही बोला, मैंने सही सुना, ओके JSW स्टील 673 यहां पर खरीदना है, 668 का स्टॉप लॉस, 692 705 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये राय आपके लिए जय की तरफ से, परफेक्ट। ओके डिस्क्वालिफिकेशन, ये शब्द हाल ही में किसने कहाँ सुना है जरा मुझे बताएं, जरा डिस्क्वालिफिकेशन ये शब्द कहीं चर्चा में आया क्या, हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ हैं जरा दिखाइए, जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाए, एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड। हाँ बंसल जी हाथ उठाने के लिए बोला, रेज योर हैंड, उंगली उठा रहे आप दूसरों पे। जी बंसल जी बताए सर। अनिल जी मैंने हाथ ही उठाया था, उंगली तो अनिल जी मैंने अभी उठाऊंगा जब आपको मौका मिलेगा। तो ये अनिल जी सबसे ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन हम सुनते हैं जब ये एथलीट्स की अनिल जी रेस वेस होती है ना, तो ये वो कुछ कंज्यूम करते हैं, डोप टेस्ट होता है, तो वहां पर डिस्क्वालीफाई होते हैं अनिल जी, सबसे okay. ज्यादा वहां पर यूज होता है डिस्क्वालिफिकेशन okay. अनिल जी। अच्छा जय बताइए। मैं भी वही कह रहा था, फिटनेस टेस्ट जब फिटनेस टेस्ट नहीं कर पाते तब डिस्क्वालीफाई। कुणाल जी अनिल जी, इससे सिद्ध होता है कि राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते अनिल जी पैनलिस्ट। अनिल जी आजकल तो डिस्क्वालिफिकेशन ही चल रहा है, एग्जैक्टली सांसदों का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है अनिल जी, तो ये आजकल राजनीति में हॉट है जी बिल्कुल। मतलब क्या थोड़ा देश दुनिया की भी खबर रखा करो बंसल जी, सिर्फ अपनी और अपने दोस्तों के ऊपर ही नजर रखते हो। ओके नोट करा था, हाँ तो बोले क्यों नहीं अनिल जी, इस कारण नहीं बोला। आज सुबह मैंने एक वो फोटो डाली थी यूपीआई की अनिल जी की, क्या कहते हैं ये 2000 ऊपर का चार्ज, क्या कहते हैं चार्ज लगेगा अगर वो प्रीपेड कार्ड है अनिल जी, हाँ। तो पेपर की कटिंग डाली अनिल जी उसपे, कोई नेता जी है उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में मुझे क्या कुछ कह डाला, तो मैंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन बोलूंगा तो दोबारा से कोई पीछे पड़ जाएगा, इसलिए अनिल जी पॉलिटिक्स को अवॉइड कर रहा हूँ और कुणाल जी को भी ऐसा मित्र हिदायत दे रहा हूँ, इन चीजों को मत बोले। ओके जी आशीष जी। अनिल जी बिल्कुल ये कुणाल जी ने सही बोला, मैं भी यही बोल रहा था कि जब से ये राहुल गांधी जी का हुआ है तब से ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन का शुरू हुआ है। और अनिल जी एक और चीज, मुझे तो मतलब वो अभी तो ये क्या कहते हैं एथलेटिक्स से राजनीति में गया है, मुझे तो ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल एनालिटिक एनालिसिस ये एनालिस्ट कम्युनिटी में भी लगता है। अभी मैं बल्कि हिमांशु को थैंक यू कहने वाला था कि उसने मतलब मेंशन किया कि इंस्पायर होके, क्योंकि इंस्पिरेशन की अनिल जी मैसेज कम आते हैं और परेशान होने के मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, तो कोई परेशान हो गए बहुत लोग मेरी डिस्क्वालिफिकेशन के चक्कर में भी लगे रहेंगे, तो डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड चल रही है आजकल, मैं बहुत ज्यादा बच के रहता हूँ। देखो भाई साहब, जब से 1947 से देश आजाद हुआ है
तब से सत्ता पक्ष भी है विपक्ष भी है और जब से मार्केट तो उससे से पहले से है तो तेजी भी है मंदी भी है, तो आप चिंता ना करें, किसी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, न हिमांशु जी का होने वाला है, न तेजी करने वालों का होने वाला है, न मंदी करने वालों का, सबके लिए इस मार्केट में जगह है अपने अपने हिसाब से पैसा कमाने की, जिसको जो स्ट्रेटेजी सही लगे उससे कमाइए। मतलब आपको पता चला कि आप खेलते क्रिकेट अच्छा है, आपको ट्राई करनी है फुटबॉल में तो काम नहीं चलेगा ना आप क्या अच्छा खेल सकते हो वो दिखाई। तो डिस्क्वालिफिकेशन शब्द हम तो अभी चर्चा में सुन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ संवाददाता है हमारे ब्रजेश कुमार, जो पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं और ये बोले सर 6 महीनों से डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है। मैंने पूछा नहीं, हमने तो अभी 6 दिनों से सुना है, तो ब्रजेश ये 6 महीनों से कहाँ चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन? ये चल रहा है रेगुलेटर्स के बीच में और रेगुलेटर और ब्रोकर्स के बीच में। ओके, रेगुलेटर मतलब सेबी जी और ब्रोकर मतलब हमारे स्टॉक मार्केट के बिल्कुल दिग्गज। बिल्कुल, बताइए क्या है? हाँ, दरअसल इस मामले की जो जड़, चर्चा की जो जड़ है वो जड़ है 17 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था सेबी का, और वो नोटिफिकेशन था इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन था, वो बढ़ाई गई और उन बढ़ी हुई लाइनों को उस वक्त शायद नोटिस नहीं किया गया, लेकिन अब जो है लोगों को डर लग रहा है। डर की वजह यह है कि उस रेगुलेशन में ये लिखा गया है कि अगर सेबी किसी ब्रोकर के खिलाफ, मतलब इंटरमीडियरीज हैं पूरी सारी इंटरमीडियरीज के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है या एफआईआर फाइल करता है तो वो फिट एंड प्रॉपर नहीं होंगे। अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी, हम तो जानते हैं कितनी सारी एजेंसीज हैं, ईडी है, राज्यों की ईओडब्ल्यू है, राज्यों के पुलिस की और बहुत सारी एजेंसीज हैं, एसएफआईओ है, अगर ये कोई इनमें से कोई भी अगर चार्जशीट फाइल करती है किसी ब्रोकर के खिलाफ या किसी इंटरमीडियरीज के व्यक्ति के खिलाफ, तो उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर बाहर करना पड़ेगा इंटरमीडियरी से। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर, के एम पी, कंप्लायंस ऑफिसर, जितने भी टॉप के लोग हैं ये सारे के सारे लोग 30 दिन के अंदर इनको हटाना ज़रूरी होगा। अगर नहीं हटाया जाता है तो उस संस्था के खिलाफ ही एक्शन शुरू हो जाएगा और उस संस्था को फिट एंड प्रॉपर ना मानकर उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इससे भी एक कदम आगे और चीज़ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रमोटर्स हैं या मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट पर रोक लग जाएगी और 6 महीने के भीतर उनको अपना स्टेक बेचना पड़ेगा, बाहर जाना होगा। तो ये जो परेशानी की जड़ है वो ये 2-3 शर्तें हैं और उस पर आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ एफआईआर या सिर्फ चार्जशीट के आधार पर दोषी मान लेना किसी को और बिजनेस से ही बाहर कर देना या पद से ही हटा देना ये शायद ज़्यादा है, क्योंकि ट्रायल होने का, उसके बाद फैसला आने का और उस फैसले के ऊपर अपील करने का सबको अधिकार है जो मिलना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत। तो ये आर्गुमेंट है। ये भी है, अगर लास्ट में जाकर के फैसला उस इंटरमीडियरी के पक्ष में आया तो ये जो कार्रवाई पीछे हो चुकी होगी, यानी हटा दिया गया होगा पदों से, स्टेक उनका डायल्यूट करा दिया गया होगा, उस सबका क्या होगा? लेकिन जो रेगुलेटर था उसकी मंशा यही थी कि जो मार्केट में जो कुछ भी गंदा चल रहा है, खराब चल रहा है, वो सारा का सारा क्लीन अप हो जाए। लेकिन एक तरह से कहें तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो मतलब ब्रोकर का ये मामला है कि भाई सब, जब सब मामला निपट जाए, सजा वजा हो जाए, फाइनल हो जाए कि भाई कुछ गलत किया है तो जाके आप ये लागू करो। बिल्कुल, अगर आप पास्ट में जो एक केस चल रहा है एनएससीएल का, उसमें से ही जो दिसंबर तक के नंबर्स बताते हैं 220 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। हाँ, बहुत साल हो गए। 2013 का केस है, 2023 10 साल हो गए चल रहे हैं, जुलाई में हो जाएंगे पूरे 10 साल। तो उसमें ही 220 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अभी हो सकता है कि और भी चार्जशीट, 7वीं बार चार्जशीट फाइल हुई थी, हो सकता है कि ये संख्या और बढ़ती जाए। तो फिर ये है कि बचेगा कौन? और इसमें सब बड़े बड़े ब्रोकर्स के, सबके बड़े लोगों के नाम है। बिल्कुल, तो पॉइंट तो ठीक है। तो फिर अब होगा क्या आगे, ये बताओ आप। अब होगा ये कि मामला वापस बोर्ड में जाना पड़ेगा। ब्रोकर्स की अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई रेगुलेटर से, तो वहां पर ये कि मामला वापस बोर्ड में जाएगा और बोर्ड को फिर से कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो बातें, दिक्कतें बताई जा रही हैं वो दिक्कतें जेन्युइन हैं, और बोर्ड अगर कन्विंस होगा, अप्रूव करेगा, तो फिर से ये अमेंडमेंट आएगा।
तो ये तो बड़ा मामला इंटरेस्टिंग हो गया है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ ये पॉइंट तो वैलिड है कि अगर एनएससीएल जैसा मामला और उसमें चार्जशीट हो जाए, 10-10 साल तक अगर फैसला ना हो तो आदमी धंधा क्या करेगा, काम क्या करेगा। ये तो वैसे पॉलिटिक्स में भी जो डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हो रही है वो सजा आने के बाद हुई है, वो सजा आने के बाद है ना, सजा आने के और बाद। यहाँ ये है कि क्रिमिनल, अगर रेगुलेटर ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया है या एफआईआर किया है तो डिस्क्वालीफाई, या किसी इकोनॉमिक ऑफेंस को जांचने वाली एजेंसी डीआरआई ईडी एसएफआईओ इनकम टैक्स, सीबीआई भी करती इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, उनकी भी विंग है। तो उनमें से अगर किसी ने चार्जशीट फाइल किया है तो ओके। और ये सिर्फ ब्रोकर्स पर है या ब्रोकर्स के अलावा बाकी? ये इंटरमीडियरीज रेगुलेशन है, इसमें सारे आते हैं, लेकिन फंड भी आ गए इंटरमीडियरीज में, हाँ आपके आरटीए भी आते हैं, सब सब लोग काफी काफी सारे एवरीवन। हाँ मतलब जो इंटरमीडियरीज हैं, मतलब बेसिकली जो मार्केट के कहें तो सिग्निफिकेंट कड़ी हैं। ओके तो चलिए, ये एकदम बात तो सही है कि सिर्फ एफआईआर पे ही एक्शन लेना चाहिए, नहीं डिबेटेबल है, लेकिन बाकी जगह से अगर कंपेयर करके देखें तो शायद सब जगह ऐसा नहीं होता। ये इंटेंशन सही लग रहा था रेगुलेटर का, लेकिन शायद कहीं हार्श कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा और इंटेंशन तो ये था कि मार्केट में जो भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस थोड़ा वो होने चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप करें, अगर जस्टिस टाइमली हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगर समझो चलो चार्जशीट फाइल के डिस्क्वालिफिकेशन करना भी है तो ये तो पता होना चाहिए कि 3 महीने 6 महीने साल भर में मामला निपट जाएगा। पता चले 10 साल तक चले, 10 साल बाद तो चार्जशीट फाइल हो, फिर केस चलेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर कहाँ कहाँ तक ऊपर तक जाएंगे करेंगे, मतलब अगली जनरेशन ही खत्म। एक ही केस में अगर 6 एजेंसियां जुट जाएं, हर किसी की अपनी रफ्तार है, बराबर है। हाँ एनएससीएल अलग ही हो जाएगा। हाँ देखो, इतनी एजेंसियां होने की वजह से ही ब्रजेश एक बड़ा फायदा है। पूछो क्या क्या आपका जॉब सेफ है? खबर आती है कभी किसकी खबर, कभी एक ही मैटर में 6 जगह से खबर करने को मिलती है। सोचो अभी आपने दिल से धन्यवाद दिया इन सबको, धन्यवाद देना पड़ेगा। तो देखो आज इसी मामले पे इसकी खबर, आज इसी मामले पे इसकी खबर, देखो कितने ज्यादा जर्नलिस्ट बिजी रहते हैं इसकी वजह से। थिंक अबाउट ओके। चलिए ब्रजेश, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया खबरें लाकर आपके लिए देते हैं और उसमें रहते हैं बिजी। फिलहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर लाए हैं ब्रजेश, जिसमें कि क्या कुछ बड़ा फैसला अब होता है फिट एंड प्रॉपर वाले मामले पे, जिसमें ब्रोकर्स, फंड्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरफ से थोड़ी सी आपत्तियां आती हुई दिखी कि भाई इतने कड़े नियम बना बनाओ कि हम सांस न ले पाए। जी अच्छा, आशु जी इस पे कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी आपने जो बिल्कुल ठीक बोली है, जो मैं आजकल जितना ज्यादा ब्रिजेश को देखता हूँ, उनके न्यूज फ्लो देखता हूँ और वो मॉनिटरिंग देखता हूँ, सबसे ज्यादा मतलब हैपनिंग भी ब्रिजेश है। पहले मुझे आशीष लगता था कि वो पीवीआर कभी इंडिगो कभी ये सब को कवर करता है कि नहीं, वो मोर ग्लैमरस है, बट अनिल जी जो ब्रिजेश कर रहे हैं ना, मतलब असली काम यही है, बाकी तो सब ये मजे ले रहे हैं, मतलब असली काम ब्रिजेश कर रहा है। ब्रिजेश में आधी जनरेशन का फर्क है उम्र में, आशीष में और ब्रजेश में इतना भी नहीं है। आधी जनरेशन, आधी जनरेशन होगा, 15 साल का तो फर्क होगा। बाहर जाके पूछता हूँ मैं। 12-15 साल जितना तो होगा, 25 साल में एक जनरेशन मान लेते ना हम। 25 साल में, हाँ इतना तो है, इतना तो है पक्का, सैलरी के हिसाब से भी है। चलिए ओके, बढ़ते आगे और बाजार अब 17,000 के ऊपर फिर से टिकने की कोशिश करता हुआ दिखा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए आने वाली है, थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे मिर्जा इंटरनेशनल को लेकर। थोड़ी देर में रिसर्च आने वाली है, आज मिर्जा इंटरनेशनल का स्टॉक 5% ऊपर है। कई लोग सोच रहे 5% ऊपर है कि नीचे है, ये तो नीचे दिख रहा है, 35 रुपये में है। तो इसकी भी पूरी रिसर्च आपके लिए आने की तैयारी में है और वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल सर, ये तब तक एक ट्रेडिंग कॉल है सचिन जी की तरफ से, बिल्कुल उनके लिए BTSWT का। बताए सर। दीपांशु काफी समय हो गया, वो ऑलरेडी मूव थोड़ी सी अनफोल्ड हो चुकी है, तो मैं फ्रेश ट्रेडिंग कॉल थोड़ी देर में दे। ओके सर, कोई बात नहीं, फ्रेश ट्रेडिंग कॉल आपसे लेते हैं थोड़ी देर में, नो प्रॉब्लम। एक दो स्टॉक से जहां पर थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, पॉलीकैब, आज सुबह जैन साहब ने एक्सीडेंटली सही बट मेंशन कर दिया था एसपीएल मिड कैप में लॉन्ग टर्म पिक के लिए। यूजली एफएनओ स्टॉक्स अवॉइड करते हैं, कैश स्टॉक्स लेते हैं एसपीएल मिड कैप में, बट नंदलेस स्टॉक
ट्रेडिंग के लिहाज से काफी एक्टिव हो रहा है इस समय। एक बार जैसे जरा पॉलीकैप का चार्ट पर राय ली जाए, जय जरा देखें थोड़ा एक्सपायरी डे का भी मूवमेंट आ रहा है 2850 पर पॉलीकैप। बिल्कुल दीप, इनफैक्ट मैं पहले तो टेक्निकल आपको व्यू देता हूँ, टूवर्ड्स डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल रही है। टेक्निकली एक नो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसके एग्जैक्ट लोअर एंड पर दीप मैं कहूँगा उसने सपोर्ट लिया है लास्ट दो दिनों से, एंड एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे आते हुए देखने मिला। इनफैक्ट कल ही एक अच्छा सपोर्ट वहाँ पे ले लिया था उसने और आज जो हिसाब से सुबह से दीप ये ट्रेड कर रहा है यू नो 2850 के आसपास अभी आ चुका है, 2800 के ऊपर जब से ट्रेड कर रहा है आई थिंक मोमेंटम पॉजिटिव हो चुका है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 2950 3000 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। एक बाउंस बैक डेफिनेटली इस ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ओके पॉलीकैप ये है आपके लिए एक्शन में स्टॉक, बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात थी आज सुबह सुबह। जैन साहब देखो एसपीएल में दे गए, मूव आ गया। पहली चीज तो जैन साहब से ऐसी चूक होती नहीं हो गई और दूसरी भी तो बहुत बढ़िया वाली अच्छी वाली हो गई, फायदा हो गया एकदम बिल्कुल। मतलब इस तरह से मतलब बढ़िया वाली बात कर दी जैन साहब ने पॉलीकैप खरीदने की राय। आइए मिर्जा इंटरनेशनल, आप जो सब कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में उसकी तैयारी है, लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी कुछ जरूरत से ज्यादा तैयार है। आप पूछे कैसे बताइए क्या हो गया। परसों शुक्रवार है, नई सीरीज की शुरुआत है जी, पिक ऑफ द सीरीज होने वाली है होगी और आज से ही बोले हमारी तैयार है सीरीज की। हाँ क्या बात है, पता नहीं ऐसा क्या, बाकी तो रोज का काम रोज नहीं करते, इतना आगे का काम पहले से करके तो बिगुल पिक ऑफ द सीरीज का। वाह बंसल जी भी कंफ्यूज है कि पहले मेरी तारीफ हो रही है ये कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है खिंचाई हो रही है। तो अभी जब जहाँ भी बंसल जी इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जहाँ भी आपको ये लगे कंफ्यूजन वाला मामला कि तारीफ हो रही है कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है या खिंचाई हो रही है, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट ही समझिए, आपकी सेहत के लिए वो अच्छा है, हम हमारी तरफ से उसे खिंचाई मान के चलते हैं। जी सर अब बताएं पिक ऑफ द सीरीज। नहीं अनिल जी ये तो वैसे भी नियम है, जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए अनिल जी, खिंचाई तो ले नहीं अनिल जी, सब तारीफ ही हो रही है और कॉम्प्लीमेंट ही है, बी पॉजिटिव अनिल जी तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। और पिक ऑफ द सीरीज है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको मैं और कुणाल जी पिछले सप्ताह भी हमें रिकमेंड कर रहा है। टेक्निकली एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से थोड़ा सा भी मार्केट नर्वस है, स्टॉक डिफेंसिव भी है और एक अच्छा उछाल मच अवेटेड एक अपमूव दिखाने का दमखम रखता है। और इस सीरीज की हम जब बात कर रहे हैं तो सीरीज की शुरुआत में ही 5-7 दिन में एक अच्छा अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है, एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। लीवर में ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए पैटर्न बहुत जबरदस्त है, मैंने और राकेश जी ने पहले भी खरीदारी की राय दी है, पैटर्न बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है कि 100 रुपए की तेजी आपको लीवर में आते हुए दिखेगी, इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 2470 पर 2470 पर एक स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट होगा 2550 का, इवेंचुअल टारगेट 2600 का, 2600 का, तो 2600 तक जाता हुआ दिख रहा है लीवर। और अनिल जी जो बात अभी आप कह रहे थे कि खिंचाई हो तो उसको ये मान और कंफ्यूजन हो तो ये मान लें कि भाई आपकी तारीफ हो रही है, अनिल जी बंसल जी को तो घर पर जब खिंचाई होती है पता भी होता है कि खिंचाई हो रही है, फिर भी अनिल जी उसको कॉम्प्लीमेंट ही मान करके चल रहे हैं, तो यही इनका राज है अनिल जी। हाँ एक खुशी का राज तो यही है तभी, नहीं तो आदमी अगर घर पे इतना तनाव में रहे, इतनी डांट खाए, इतना सब कुछ सुने, उसके बाद मुस्कुराते ऐसा असंभव है। तो ये तो बंसल जी की खासियत है बिल्कुल। बंसल जी एक क्लास ले ऐसी, और कुछ कुछ जो बड़े गंभीर चेहरे हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझ तो गए होंगे आप, उनको भी आप ट्रेनिंग दे। उनको भी ट्रेनिंग दे जो भी पैनल करने आप समझ गए ना, ये विपरीत हालातों में कैसे मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और अपने काम पर किस तरह से उसका असर ना पड़ने दे, ये बंसल जी से हमें उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है, ऐसा हमें सिखाया गया था 8वीं क्लास में, मॉरल ऑफ द स्टोरी इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो बंसल जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है मुश्किल हालातों में किस तरह से प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। आइए एक स्टॉक है प्रसन्न मुद्रा में जो 5% ऊपर है, भाव से दिख रहा है नीचे लेकिन परसेंटेज से दिख रहा है ऊपर, और वो है मिर्जा इंटरनेशनल। ऐसा क्या हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल में कि कल का जो भाव था उसके मुकाबले में 85% स्टॉक नीचे है और फिर भी 5% ऊपर दिख रहा है, तो आइए पहले सारी डिटेल्स समझ लीजिए, अरमान हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। अरमान बताएं। जी सर सबसे पहले तो ऐसा होश ले रहा है क्योंकि अगर आप देखें ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जिसमें
मर्जर हुआ है और डी मर्जर हुआ है, दोनों जो है आज से होते हुए दिखे, इसलिए ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अब दो चरणों में हुआ है, तो सबसे पहला चरण आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 100% होल्डिंग प्रमोटर की है, वो मिर्जा इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके साथ मर्ज हो रही है। अब जाहिर है मर्ज हो रही है तो एक्सचेंज रेशियो होगा, तो आरटीएस के 10 शेयर के बदले मिर्जा इंटरनेशनल 22 शेयर जो है वो इशू करेगा। दोनों की फेस वैल्यू में डिफरेंस है, आरटीएस का 10 रुपए की फेस वैल्यू है और मिर्जा इंटरनेशनल की 2 रुपए की फेस वैल्यू है। तो पहला चरण तो ये है कि आरटीएस आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड मर्ज हो रही है मिर्जा इंटरनेशनल के साथ। अब दूसरा चरण यह है कि जो ब्रांडेड कारोबार है, आप रेड टैब जो इनका कारोबार है वो मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर अभी है, इसके बाद अब ये जो डी मर्जर है हो रहा है रेड टैब बिजनेस का, जो मिर्जा इंटरनेशनल से निकल जाएगा। अब जाहिर है निकलेगा तो यहां पर भी एक्सचेंज रेशियो आएगा, तो उसमें मिर्जा इंटरनेशनल के हर एक शेयर पर रेड टैब लिमिटेड जिसमें जो ये डी मर्ज्ड बिजनेस आएगा उसका एक शेयर दिया जाएगा, और रेड टैब लिमिटेड आने वाले समय में अलग से भी लिस्ट होगी। और अगर आप अब रेड टैब जो ब्रांडेड बिजनेस है उसका ओवरऑल रेवेन्यू या इबिट का अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखें तो कुल इबिट में लगभग 85% जो इबिट है वो रेड टैब बिजनेस का है। इसी के चलते अगर आप देखेंगे कल जो क्लोजिंग थी 250 के आसपास की जो क्लोजिंग थी, अगर आप उसका 85% हटा दें तो लगभग आपको 37-36 के आसपास की जो वैल्यू बनती है वो आ जाती है। और इन दोनों जो चरण हुए उसके चलते अब शेयर होल्डिंग में भी बदलाव दिखेगा आपको। जो मिर्जा इंटरनेशनल की जो पहले जो शेयर होल्डिंग थी जहां पर प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 68% थी, वो बढ़कर अब 72% हो गई, और उसी के साथ साथ जो मिर्जा इंटरनेशनल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हर एक शेयर पर एक शेयर रेड टैब लिमिटेड का भी मिलता हुआ दिखेगा, और उसकी लिस्टिंग जब बाद में होगी तो वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप कह रहे हैं कि दो चीजें हुई हैं यहाँ पर जी, एक तो आरटीएस फैशन इस कंपनी के साथ जुड़ गई है बिल्कुल, और दूसरा जो रेड टैब इनका कारोबार है वो पूरी तरह से डीमर्ज हो गया है और अब वो बाद में लिस्ट होगा अलग से कंपनी रेड टैब लिमिटेड, वो अलग से लिस्ट होगी। और यहाँ पर जो डीमर्ज हुआ है वो 1:1 एग्जैक्टली 1:1 के रेशियो में। पर ये कैसे हो सकता है कि ये तो 85% बिजनेस डीमर्ज हुआ है, इसलिए आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 85% नीचे है। करेक्ट, तो उस हिसाब से तो 1:1 हो गया, तो फिर 85% वाले कारोबार को इसकी वैल्यू सेम कैसे दी जा रही है? 15% का बिजनेस और 85% का बिजनेस 1:1 कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। जबकि रेवेन्यू अगर आप देखें तो 85% वाला बिजनेस जो है उसका रेवेन्यू है आपका कितना, 650 करोड़ के आसपास, करेक्ट। Yes. और जो 15% बिजनेस है उसका रेवेन्यू करीबन 65 करोड़ के आसपास, करेक्ट। उसमें ये नया बिजनेस भी थोड़ा जुड़ जाएगा तो उसमें थोड़ा और हो गया, और जोड़ भी ले तब भी वैल्यूएशन गैप कैसे आ रहा है, करेक्ट। ये कैसे आ रहा है अरमान, ये इसमें भी कुछ? हाँ, इसका अगर वैल्यूएशन का हमने कैलकुलेशंस करने की कोशिश करी है, जिसमें वैल्यूएशन में अगर आप बात करें तो जैसे कल जो जिस पी पे बंद हुआ था लगभग 19 के पी पे बंद हुआ था, तो अभी का अगर जो सिर्फ रेड टैब बिजनेस है उसका अगर आप जो 19 का पी भी देते हैं, क्योंकि उसका इबिट मार्जिन सर 15% है, और जो बचा हुआ बिजनेस है उसका इबिट मार्जिन आप देखेंगे 8% है। तो अगर मैं रेड टैब बिजनेस को अगर मैं 19 का पी जो कल की क्लोजिंग है वो दे रहा हूँ, तो जो मेरा बचा हुआ बिजनेस है जिसमें से मेरे को अगर ईपीएस आ रहा है सिर्फ 2.5 रुपीज का, उसको मैं अगर 14 का पी दे दूं, मतलब मैं फिर भी डिस्काउंट बहुत कम दे रहा हूं, और लगभग तो 50% के आसपास का डिस्काउंट आना चाहिए, तो भी मेरा भाव 35 रुपये आता है। तो आप कह रहे हैं ये जो वैल्यू ये फेयर वैल्यू एग्जैक्टली, अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर फेयर वैल्यू है बिल्कुल। और इसमें एक और कैच ये भी है कि एफटीएस फाइनेंशियल्स जो है उसका अगर आप जब, क्योंकि वो अभी का रिसेंट का डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय जब प्रेस रिलीज थी उसी का डाटा है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन और कंपैरेटिवली कम ही है। अच्छा, तो वैल्यूएशन और कम ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल, तो उस लिहाज से फेयरली वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड, ये फेयरली वैल्यूड है 35 रुपए के आसपास। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब रेड टेप वाला बिजनेस लिस्ट होगा तब उसकी वैल्यू बननी चाहिए आपकी करीबन करीबन उस समय देखेंगे क्लोजिंग 250 रुपए के आसपास की थी, उसमें से 35 निकल गया, तो वैसे देखा जाए तो 215 बनता है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखेंगे तो लगभग लगभग यही वैल्यू आएगी अगर क्लोजिंग वाले पे वैल्यू आप इसे करें तो, और उतना ही वैल्यूएशन मिलना चाहिए। आई डोंट नो कि उसको, क्योंकि रेड टेप होने की वजह से मार्केट ज्यादा पी मल्टीपल देगा क्या, वो देखने वाली बात है, क्योंकि क्रीम बिजनेस वो है, एग्जैक्टली हाई मार्जिन बिजनेस वो है, तो हो सकता है। और आजकल क्या प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले ऐसा होता था कि आप जब डीमर्ज कर रहे हैं एक हाई मार्जिन बिजनेस को, इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रोथ बिजनेस को अलग से लिस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट उसकी प्रीमियम देता था। एग्जैक्टली आजकल वो हो नहीं रहा है। पिछले कई सारे एग्जांपल ऐसे हो गए, स्पेशली
पिछले साल डेढ़ दो साल में बहुत सारी ऐसी डीमर्जर वाली चीजें हुई जिसकी हमने भी बात की, चेंज ऑफ मैनेजमेंट की हुई, जो पहले एक ट्रेंड था वो ट्रेंड बड़ा तेजी से बदला है, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर नीचे भी लिस्ट हो। अच्छा, और उस वक्त के मूड माहौल पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, कि मार्केट में उस वक्त मूड माहौल क्या है। तो ओवरऑल दोनों की मिला के जो 250 रुपये की वैल्यू है उसमें समझ लीजिए कि हाँ करीबन ब्रॉडली आप 200-225 की रेंज में इस वक्त आप बचे हुए बिजनेस का वैल्यूएशन मान के चल सकते हैं। जब लिस्ट होगा तब होगा, देखा जाएगा। बट इंटरेस्टिंग ये है आज पूरा मिर्जा इंटरनेशनल, तो काफ़ी लोग जो दुखी है कि मेरे मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर इतने से रह गए, ये तो 250 का था, मेरा 35 ही हो गया। बहुत दुखी है काफ़ी लोगों, कई सारे मैसेज आए, तो हमने कहा चलो रिसर्च करके आपके सामने रखी जाए। तो भाइयों और बहनों बिल्कुल भी डरिए घबराइए मत, और मिलेगा शेयर, वक्त लगेगा कि होगा लिस्ट, 2-3 महीने तो आराम से लगेंगे मान के चलो, शांति से आएगा, कोई जल्दी होने वाला है नहीं, लेकिन दूसरा होगा लिस्ट, टेंशन ना लें, आराम से आप इंतज़ार करें, आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल में। बाय द वे अनिल जी, जीआर इंफ्रा एक कैश स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा सर, आई थिंक आज सुबह भी हम इसके बात कर रहे थे, कुछ ऑर्डर था। अरे भाई साहब देखो फिर से एक और 741 करोड़ का ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर, मुझे रुकने का नाम मतलब शेयर भागा, अच्छा ऑर्डर आया है, ऑर्डर रुकने का, आज सुबह भी इसकी बात हो रही थी। वो मार्च में सारे ऑर्डर का क्या पूरा हो रहा है, जिस पूरा देना है ऑर्डर वो मतलब 31 मार्च के पहले दे दो भाई, बजट क्लियर कर, बजट क्लियर कर दो 31 मार्च के पहले, बिल्कुल ऑर्डर वैसे आ रहे, धड़ाधड़ ऑर्डर क्लियर। ओके, कौन ये चार्ट्स देखने की जहमत उठाएगा? कुणाल जी बड़े फ्री फ्री से नजर आ रहे हैं। कुणाल जी, जीआर इंफ्रा चार्ट देखिए जरा। अनिल जी देखिए, चार्ट अगर आप जीआर इंफ्रा का देखते हैं तो स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मेजर एवरेजेस के नीचे चल रहा है। केवल एक सिल्वर लाइनिंग इस चार्ट पर है कि 970 के आसपास कुछ एक सपोर्ट है, और हमने देखा कि 2-4 दिनों से उसी सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई खरीदारी की राय मेरी नहीं है, मुझे लगता है स्टॉक कमजोरी ही आपको आने वाले समय में कमजोरी बनी रहेगी। उछाल में निकलने का प्रयास करें, अगर कोई पुल बैक में 1100 तक का भाव आए तो जिनके पास पहले की पोजीशन है मेरी राय में निकलना चाहिए। ओके, अगर पहली पोजीशन है तो निकल जाइए, बट ऑर्डर में जबरदस्त रही है कंपनी की, तिमाही के नतीजे और आगे का आउटलुक समझना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर बुक में काफी हेल्दी एडिशन यहाँ पर हो रहे हैं। थोड़ा हेल्दी एडिशन कुछ और काउंटर्स में भी आपको होते हुए दिख रहा है, एक्टिव बन रहे हैं कुछ काउंटर्स। एनएमडीसी अभी रेडार पर आया है, इस पर 2% का स्पाइक आपको दिख रहा है, 2.5% का स्पाइक इस समय एनएमडीसी पर आपको बनते हुए दिख रहा है। इस पर रखते हैं नजर एक बार, जय से राय ली जाए, जय जरा देखें एनएमडीसी का चार्ट। बिल्कुल दीप, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जबरदस्त इसमें आज रिवर्सल देखने मिल रहा है, और ये थोड़ा और कंटिन्यू रह भी सकता है। काफ़ी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिली है दीप, जो हिसाब से एक जबरदस्त मूव आपको आते हुए देखने मिला है मार्केट में। और जहाँ तक एनएमडीसी का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 115 तक का लेवल्स हमें देखने मिल सकता है नेक्स्ट सीरीज के फ्यूचर्स में, 110.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी पर आपके लिए। दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार, जो दीप हम बात कर रहे थे कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस तरफ पहुंच रहे दिन की ऊंचाइयों की तरफ, 3 बजने की तैयारी हो चुकी, बज चुके हैं एक्चुअली 3:10, और डेहाई की तरफ बाजार बढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए, कमा 40,000 आ रहा है, कमिंग ऑन द वे। जो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, हिम्मत करेगा, पैसा उसी को बनेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जो आपका कन्विक्शन है उस हिसाब से ट्रेड, लेकिन लो जरूर। ये टाइम है ट्रेड लेने का, जब तक टाइम था नहीं ट्रेड लेने का, नहीं बड़ा करने का, हम लगातार कहते हैं मत करिए करिए। अब आपकी मर्जी पे आप किस तरफ ट्रेड ले, मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों तरफ से रिवॉर्ड रेशियो लगभग बराबर है। अब थोड़ा सा तेजी के फेवर में हो रहा है, हमने कल बात भी की थी कि हमारा व्यू, और कल आपको पूरे दिन भर आराम से बाजार ने मौका दिया, जिस लेवल पे आप खरीदारी करना चाहते थे आपको मौका दिया, बिल्कुल पूरा ट्रेडिंग रेंज में आया भी नीचे। आज अगर आपकी कल के लोअर लेवल से देखें तो 150 पॉइंट निफ्टी करीबन ऊपर आ चुका है। तो आप अब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी जिनको इंतजार करना है करें, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि अगर आपको 500-700 पॉइंट के मूव के लिए ट्रेड करना है तो 100-125 का छोड़ भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आराम से, हाँ कहीं बाजार नहीं जा रहा, मौका देगा। अब अपने तो बिल्कुल अपने वैसे बहुत ही होशियार ऐसा ही बनना है कि एकदम बॉटम पे लूंगा, एकदम टॉप पे बेचूंगा, तब तो फिर अलग ही चीज है, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। वापस से आपको जब भी 17,000 के नीचे 16,850-16,950 की रेंज में मौका दे वहाँ लेना है, या 17,200 के ऊपर जब बंद हो जाए तब फिर से भर लेना है, यहाँ लेना है वहाँ भर लेना है, ठीक है है ना, समझिए। हाँ तब ब्रेकआउट आपका, और मैं अपना व्यू कल भी बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव साइड पर, यस
अगर दोनों में से एक आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको फिर बोलूंगा जिसको जो कन्विक्शन है वो वाला ट्रेड लीजिए, अगर आपको शॉर्ट का कन्विक्शन है लेकिन बड़ा ट्रेड लीजिए, क्योंकि 12 दिन हो गए, 12वां हो गया, 200 पॉइंट की रेंज में 12वां हो गया, हो गया 13वां भी हो जाएगा शुक्रवार को, उसके बाद क्या, उसके बाद तो नई लाइफ शुरू होगी ना, तो 13 दिन हो गए भाई एक रेंज में, अब रेंज से बाहर निकलने को तैयार है, इट्स एनीबॉडीज गेस, आपकी इच्छा है, आपको रेंज के ऊपर जाते हुए दिखता है तो वैसा ट्रेड लीजिए, नीचे जाते हुए दिखता है वैसा लीजिए, अपना कन्विक्शन टेस्ट कीजिए, करेंगे ना तभी हिम्मत आएगी अगली बार के लिए, नहीं तो ये अगर 10 दिन पहले ट्रेड ले ले और रेंज में फंसे रहे तो आप थक के बेच देंगे, अब जब रेंज से बाहर निकलने का टाइम आ रहा है तब आप ट्रेड नहीं लेंगे तो कब लेंगे, कब लेंगे, और तभी तो आपको अगली बार के लिए तैयारी मिलेगी, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आएगा, तो भाइयों और बहनों तैयार हो जाइए, तैयार बिल्कुल। बाजार में QIP के जरिए पूंजी जुटाने की रफ्तार घट गई है, और इस रफ्तार के घटने की वजह क्या है, यानी कि जो कंपनियां आकर बाजार से पैसे लेती है, QIP इश्यू रेज करती है, शेयर्स अपने इंस्टीट्यूशंस को बेचती है, वो थोड़े बैकफुट पर है, क्यों बताएं नूपुर? साल के निचले स्तर पे QIP के थ्रू जो फंड रेजिंग होती है वो फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से वॉलीटिलिटी है बाजार में, उतार चढ़ाव है, दूसरा रीजन है कि FPI की तरफ से जो बिकवाली नजर आई है पिछले साल में वो भी एक बड़ा रीजन सामने आया कि जिसके चलते QIP के थ्रू फंड रेजिंग FY23 में 11 साल के निचले स्तर पर नजर आई थी। प्राइवेट केपेक्स की बात करें तो वहां भी देरी है एक और रीजन है जिसके चलते ये आंकड़ा सामने आया, और बैंक और NBFC ने कोविड के टाइम पे जो फंड्स जुटाए थे उसके बाद अब उनकी जो स्थिति है वो अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड है, तो वो भी एक बड़ा रीजन है। अब बाजार का कहना है कि जो कंपनीज की रेवेन्यूज है, कंपनी की जो आय है, वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है, वहां पे सुधार अभी उतना हो नहीं पाया है, एक रीजन वो भी है जिसके चलते करेक्शन के बावजूद भी जो वैल्यूएशन है उसमें वो अभी भी हाई वैल्यूड स्टॉक है, और वहाँ वो वैल्यूएशन जो है वो सस्ते नहीं हुए। अगर QIP का वैल्यू इन वैल्यू टर्म्स में अगर हम चार्ट देखें तो FY12 में 11 इशू निकले थे, 1700 करोड़ की फंड जुटाई हुई थी QIP के जरिए। FY13 की बात करें तो 10,000 तक ये पहुँच गया था, FY15 में 28,000 के आसपास ये आंकड़ा था, FY18 की बात करें तो 57 तक ये जंप किया था इसने, 51 इश्यूज हुए थे FY18 में, लेकिन FY20 और 21 में लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारी कंपनी से QIP के थ्रू फंड जुटाए थे अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सर्वाइवल के लिए, उस टाइम पे हमने हाईएस्ट लेवल देखा था 78,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन पिछले साल FY22 में करीबन 28,500 करोड़ के फंड्स जुटे थे QIP के थ्रू, और इस साल FY23 में सिर्फ 9 इश्यू सामने आए जिसमें सिर्फ 7,600 करोड़ के थ्रू ही फंड्स जुटा पाई QIP के थ्रू कंपनीज। सबसे बड़ा रीज़न है कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है कंपनीज की, केपेक्स में थोड़ी सी डिलाई और वॉलीटिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है जिसके चलते ये आंकड़ा सामने आया है। ओके, तो फंड रेजिंग QIP के जरिए कम हो गया है, आगे बढ़ते हैं जैसे लेते हैं उनका कैश का ऑप्शन डेज हाइपर बाजार। बताएं जय दीप, बिल्कुल नो कॉल ऑप्शन लेकर जाना है, नो 17,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है, मॉर्निंग में तो 17,100 का लिया था दीप, एंड 98 और 80 पे लिया था, वो दोनों लेवल्स पर मिला, इनफैक्ट काफ़ी ट्रेडिंग हुआ उसमें, तो उसमें तो काफ़ी टारगेट्स को उधर भी आ गया, बट अब 17,200 का कॉल ऑप्शन आप लीजिए 75 रुपये पर, 35 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ पे टारगेट आपको 120 से लेके 145 तक के देखने मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप जो हिसाब से अनिल जी भी कह रहे थे अभी एकदम सही है, कि इनफैक्ट बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि 12वां हो गया, 13वां भी हो जाएगा, एंड मैं कहूँगा कि देखिए एक ब्रेकआउट तो बढ़िया आया है मार्केट्स में, और शॉर्ट कवरिंग अच्छा देखने मिल रहा है, इनफैक्ट ये लेवल्स पर अच्छा ओवरसोल्ड मार्केट था, कंसोलिडेशन हो गया एक्सपायरी तक, यू नो वही था व्यू कि एक्सपायरी तक में भी ये कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेकआउट देगा, दैट्स वॉट इज हैपनिंग। सो अब 17,200 तो पहले आपको लेवल्स देखने मिलेंगे थी, यही एक हर्डल है इमीडिएटली, और वो लेवल्स निकलते ही आपका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 17,350 का है। सो दीज आर दी टू लेवल्स विच आई एम वॉचिंग आउट डिस्पाइट ट्रंकेटेड वीक, ये वीक भी है नेक्स्ट वीक भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 17,350 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं लुकिंग एट करंट आज का जो हिसाब से रिकवरी है।
तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 17200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की। जैकपॉट भी है जय आपकी तरफ से? जी दीप, एक जैकपॉट भी है वो भी देना चाहूँगा दीप। यू नो बैंकिंग में आप देखिए कि बहुत ही अच्छा मूव देखने मिला। इनफैक्ट हमने अगर बैंक निफ्टी पर एक कॉल दिया ही था और अभी भी बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे ऐसा लग रहा है तेजी है दीप और ये कंटिन्यू रहेगी। तो एक्सिस बैंक पर मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है दीप। एक्सिस बैंक का आपको फ्यूचर्स खरीदना है, इसके अगर आप लेवल्स देखो तो 848.50 पर ट्रेड कर रहा है। सो 848.50 पर इसको खरीदे दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बड़ा मूव आपको यू नो आते हुए देखने मिल सकता है। 877 के टारगेट्स बन रहे मेरे। सो फॉर द टारगेट ऑफ 877 आप एक्सिस बैंक का फ्यूचर खरीदे एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो माइनर स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का। सो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज़ दैट इज 839 या 838 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और 877 के टारगेट्स के लिए आप खरीदे एक्सिस बैंक फ्यूचर्स। ओके, ये है आपके लिए एक्सिस बैंक फ्यूचर्स जहां पर खरीदारी की राय आ रही है। इस बीच एक दो काउंटर्स को जरा पुल अप करिए। रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स में आपको एक मूव आ रही है, कैश के कुछ काउंटर्स हैं जो मैं बात करूंगा। पहले मैक्रोटेक जरा इसको पुल अप करते हैं। मैक्रोटेक में एक जबरदस्त मूव आपको आती दिख रही है। NBCC यहां पर भी आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। तो मैक्रोटेक और NBCC दोनों ही काउंटर्स आपको अच्छी मूव में आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा तो एक्शन इन दोनों में हो रहा है, देखते हैं। बट मैक्रोटेक पर एक जबरदस्त उछाला है, ऑलमोस्ट 10% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। नजर रखिएगा, थोड़ा कैश स्टॉक्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। इस बीच 17100 ये पार हो चुका है निफ्टी पर, तो फाइनली 17100 के दर्शन कर लीजिए। और 39950 के ऊपर बैंक निफ्टी भी 1% की तेजी, 40,000 से ज्यादा दूर नहीं है। सही वक्त है, लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सही वक्त है सर स्ट्रैटेजी का, क्योंकि 250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 125 पॉइंट ऊपर नैसडैक फ्यूचर्स डेज हाई पर, यूरोप के बाजार डेज हाई पर, हमारे बाजार डेज हाई पर। 17100 अभी अभी आया है, कल की मार्केट हॉलिडे से पहले क्या करना है सर? तेजी का इरादा है दीप, अपना तो व्यू क्लियर है, और बस यही कि व्यू क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि रिस्क खत्म हो जाती है। आप अपना डिसिप्लिन रखें, स्टॉप लॉस रखें, रिस्क ध्यान में रखें। जरूरी नहीं कि एक तरफा आज हम सोचें, जैसे कल सोच रहे थे कल से तेजी, कल नीचे था, आज भी तेजी सोचे आज ऊपर हो सकता है शुक्रवार को नीचे हो, नीचे हो सकता है रेंज से बाहर निकलने में 2-4 दिन लगा ले, अभी भी लगा दे कोई बड़ी हो सकता है। हाँ हो सकता है, कोई बात सिंपल सी चीज है। 16800 के नीचे बंद होगा तो मंदी करना है, 17200 के ऊपर बंद होगा तो और तेजी करना है, रेंज के साथ रहना है। 17100 पर अगर आपकी लॉन्ग पोजिशन है तो बिल्कुल भी आज प्रॉफिट बुक ना करें और कैरी करके अब तो नहीं करें। हाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं तब भी नहीं। तो लेकिन रिस्क कम करने के लिए 16900 का एक पुट ऑप्शन जरूर आपको रखना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर गलती से कोई ऐसी खराब खबर आ जाए 2 दिनों में तो आपकी हेजिंग रहनी चाहिए। तो 16900 का एक पुट आपको रख लेना चाहिए या 16800 का रख लें जो आपको ठीक लगे। अगर शॉर्ट है तो पहली बार मैं करूँगा शॉर्ट जो है उनको भी 17250 का पुट सॉरी कॉल खरीद के रखना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से 2 दिनों में बड़ी तेजी बन जाए और आप सीधा 17200-17250 के ऊपर खुले और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की दौड़ में चेयर 17500 तक जाए तो आपकी हेजिंग वहां पर भी होनी चाहिए, हेजिंग करके रखें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,000 के आसपास बंद हो रहा है, 11 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी 40,000 की है, 39999 है, 22 मार्च को हुई थी दीप। 22 मार्च के बाद आज पहली बार वापस वहाँ पर जाकर आप बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पर बंद हो रहे हैं 22 मार्च के बाद, यानी कि आप 12 दिन के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रहे हैं। नो डाउट 40,000 के ऊपर की चाहिए थी, वो तो नहीं है, लगभग उसके पास है। तो एक दिन और आप ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में तो अभी शायद ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 17200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, अभी तो 17100 ही मिल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर संकेत जो मिल रहे हैं वो थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में मेरा मानना है 39500 का या 39700 का जो आपको ठीक लगे वो पुट ऑप्शन खरीद कर हेज रखें, लॉन्ग पोजिशन बनाए रखें, और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो थोड़ा बहुत खरीद के भी जा सकते हैं, लेकिन खरीद के फ्रेश जाएं अगर बैंक निफ्टी तो आपको कॉल ही खरीदना है, फ्यूचर्स नहीं। अच्छा, कॉल ही खरीदना है, कॉल ही खरीदना है, फ्यूचर नहीं। एक दिन की छुट्टी में इतनी रिस्क नहीं रखनी, कॉल खरीदें और चाहे फ्यूचर नहीं खरीदें, ये करके जरूर आए, और अगर फ्यूचर खरीद रहे तो पुट लेके जाए। गॉट इट। तो ये है बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जिसकी बात हम 2 दिन से कर भी रहे हैं, तो अपना व्यू ठीक है। बाजार में थोड़ा पैनिक कम दिखता है, दिक्कत कम दिखती है, अगर कोई खराब खबर नहीं आई तो आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देंगे, बाकी खबर तो क्या आ जाए, अच्छी आए बुरी आए पता तो नहीं है, बट जो पैटर्न बनाया है, जो कुछ माहौल बनाया है जिसकी बात हम करें, देखिए दीप
लगातार आप FIs की लॉन्ग पोजीशन पे लाइफ टाइम लो पर चल रहे हैं। मिड कैप शेयरों में जिस तरह के करेक्शन हो गए हैं उस हिसाब से तो निफ्टी 16,000 का होना चाहिए, उससे भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, मूड माहौल, लैक ऑफ इंटरेस्ट वो वैसा ही है जो 15,200 का निफ्टी था उस वक्त था जून में, बिल्कुल 2000 में। सो बाकी लेवल के अलावा बाकी सारे संकेत ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ से बाजार चलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी ख़राब खबरें आनी थी फरवरी में मार्च में सब आ गई, उसके बाद भी अभी तक टिके हुए हैं। सो तैयारी तो है ऊपर जाने की, अब हर लेवल पे दो व्यू तो होते ही हैं, किसी का तेजी का अपने तो अच्छे वाले व्यू लेके बैठे, अच्छा बुरा नहीं मतलब अपने तेजी वाला, अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा, तेजी वाला व्यू लेके बैठे, लेट्स सी क्या होता है। गॉट इट सर, ठीक है, ये आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय समय, अब तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी मूव बाजार में है। कुछ भूले भटके स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट पूरी सीरीज के लिए भूला भटका रहा है ये काउंटर, बट आज आपको अच्छी मूव दिखा रहा है बाकी सीमेंट स्टॉक्स के साथ। एक क्विक चार्ट चेक ले लिया जाए इस पर, सचिन जी जरा इंडिया सीमेंट्स के चार्ट पर राय दें सर। दीपांशु, इनफैक्ट पूरे सीमेंट पैक में ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था एंड अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन नहीं है, बट जिस तरीके से मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 170 के आसपास की फ्लोर मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए शायद वैलिड ही रहेगी। एंड ऑन द हायर साइड इसका जो मेजर कंजेशन एरिया है 185 से लेके 190 का, आई थिंक वहां तक एक अच्छा उछाल जरूर आ सकता है। बट प्रिफर्ड आई थिंक ट्रेडिंग कैटेगरी वही होगी अल्ट्राटेक सीमेंट, दालमिया भारत, ऐसे जो काउंटर्स है जहाँ पर ट्रेंड काफी यू नो स्ट्रॉन्ग रही है, मुझे लग रहा है पार्टिसिपेशन वहीं पे करना चाहिए। एंड ये पर्टिकुलर काउंटर में जिस तरीके से एक पुल बैक आएगा वो पुल बैक यूज करना चाहिए अपने लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट करने के लिए। गॉट इट, तो ये है आपके लिए इस समय इंडिया सीमेंट्स पर राय। अनिल जी 40,000 पार हो गया है, बहुत बहुत बधाई सर, जो आज सुबह आप कह रहे थे 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी अभी 40,000 क्रॉस करा है, 17,100 अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी ने क्रॉस कर लिया था। तो दो सवाल बनते हैं सर, एक तो इमीडिएटली और कितने ऊपर के लेवल सीखते हैं, और आप जो ये बात कर रहे हैं कि अब और आपका व्यू भी पॉजिटिव है एक मूव आ सकती है, तो ऊपर की तरफ अब कौन से लेवल्स पर ध्यान रखना है ये भी बताइए, कितना जा सकते हो? 17,200 के देखो व्यू पॉजिटिव होना अलग चीज़ है और कन्फर्म ब्रेकआउट होना अलग चीज़ है। 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जब तक नहीं होती तब तक आप मतलब खतरे से बाहर नहीं निकले, नीचे आने के रिस्क है। 17,200 के ऊपर आने के बाद भी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन वहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो कोई ना कोई जजमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आई थिंक 17,200 अज्यूम करें कि आप 17,200 के ऊपर बंद हो जाते हैं शुक्रवार को या अगले एक दो दिनों में कभी भी और रेंज के ऊपर जाते हैं, तो पहला टारगेट जो आपका बनेगा वो 17,500-550 के आसपास का बनेगा और उसके बाद दीप बनेगा 17,800 का। तो राउंड फिगर में बता रहा हूँ 17,500 और 17,800 के टारगेट बनेंगे अगर आप 17,200 के ऊपर बंद हो जाते हैं। इस दोनों टारगेट में से किसी एक टारगेट पर जाके रुकेगा और वहां से हम रिव्यू करेंगे। क्लियर है? बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है तो पहला टारगेट तो 40,200 के आसपास का आता है, वो तो बहुत ही छोटा हो गया, मतलब नहीं उसका। दूसरा टारगेट जो बनेगा दीप वो 41,000 और उसके बाद 41,500 के आसपास का बनेगा। गॉट, हाँ ये दो टारगेट हैं बैंक निफ्टी में, 41,000 और प्रिसाइजली 41,600 से 41,800 है जो दूसरा टारगेट होगा, 41,600 से 41,800 अगर हमने एक बढ़िया ब्रेकआउट 1,800 पॉइंट बन सकता है। 41,000 पहले 1,000 पॉइंट का 41,000 अगर 41,000 यहाँ हुआ तो आप 17,500 से 17,800 की रेंज में निफ्टी पे पहुंच जाएंगे और यहाँ 41 तक पहुंच सकते हैं। फिर मैं कहूँगा आपको सुन के बड़ा बुलिश लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा सुनने में लगता है, चलो बढ़िया अनिल जी तेजी की बात करें, लेकिन एक तरफा नहीं होगी, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें, रिस्क कम लेनी है तो ब्रेकआउट का इंतज़ार करें और रिस्क लेने की ताकत है तो ध्यान में रहे कि 16,800 के नीचे आपको एग्जिट कर लेना है, 39,000 के नीचे 1,000 पॉइंट के। अब क्या, अब नीचे देखेंगे ना, अब बैंक निफ्टी में रिस्क 1,000 पॉइंट की हो गई, कल 400 पॉइंट की थी, करेक्ट सर, कल 400 पॉइंट की रिस्क थी, आज 1,000 की होगी क्यों, बहुत ऊपर आ गए आप। निफ्टी में कल रिस्क खाली 125 पॉइंट की थी जी, आज रिस्क देखिए 300 पॉइंट की हो गई, यही बात है। तो आप एंट्री कर पाते, इसलिए हम बोले थे रेंज के लोअर एंड पे आ रहा है ये लेने, कल जो बात हुई थी हमारी तो उस समय लेते तो आज आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता, अब ब्रेकआउट पे लेना चाहिए, अब यहाँ नहीं लेना चाहिए, अब ब्रेकआउट पे लेना चाहिए, और ब्रेकआउट पे नहीं हो तो वापस रेंज के नीचे के सिरे पे आए तब लीजिए ब्रेकआउट 17,200 के ऊपर, 17,200 41 और ये 40,000 के ऊपर, 40,200 के ऊपर की क्लोज मिल जाए, 40,200 ज़्यादा प्रिसाइजली तो
तो ज्यादा दूर नहीं है उन लेवल की, बट वो कंफर्म होने दीजिए तभी करिए। ठीक है सर, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवर हो गया अगर आप लॉन्ग गए थे कल सुबह, जो हमारी बात भी हो रही थी। पीएनबी, इंडसइंड, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन और आईडीएफसी फर्स्ट का भी योगदान है। एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी आज उतने एक्टिव नहीं है जितने शायद सुबह एक्टिव देख रहे थे, उतने दोपहर में एक्टिव नहीं है, बट डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में बढ़िया मूव आई है। तो चलिए वित्त वर्ष की आखिरी सीरीज और पॉजिटिव नोट पर अच्छे रीबाउंड के साथ आप क्लोज हो रहे हैं। अभी भी एक रेंज में है बाजार, बट रेंज के ऊपरी स्तर के करीब आपको आते हुए दिख रहे हैं। लंबे समय बाद एक बढ़िया पॉजिटिव एक्शन वाला दिन रहा है और एंड में ये बढ़िया खरीदारी आपने देखी है। अदानी ग्रुप शेयर्स में आज रीबाउंड रहा, 9% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस रहा और करीब 7.5% ऊपर आपने अदानी पोर्ट्स में मूव देखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील में बढ़िया खरीदारी रही, एक्शन आपको ऑटो स्टॉक से दिखा, आईशर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, M&M, ये काउंटर्स सारे अच्छे थे। SBI, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। कोटक बैंक भी 7.5% ऊपर बंद होते हुए दिखा। खरीदारी आपने देखी है अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट में भी, बाकी सीमेंट स्टॉक्स भी काफी एक्टिव थे। इंडिया सीमेंट में तो जबरदस्त उछाल था। HUL और ब्रिटानिया, इन दो FMCG दिग्गजों की तरफ से भी सहारा आया है। सुबह जिस ब्रेथ के साथ खुले थे ऑलमोस्ट उसी ब्रेथ पर बंद हो रहे हैं। 45 स्टॉक निफ्टी के पॉजिटिव खुले थे सुबह, 45 स्टॉक की निफ्टी के पॉजिटिव बंद हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सुबह की पॉजिटिव ब्रेथ आपको एंड में भी दिख रही है। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान नहीं था, 0.5% नीचे था रिलायंस, फिर भी बाजार ने बढ़िया होल्ड आउट करा है अच्छी मूव के साथ। 150 पॉइंट ऊपर अब आपको निफ्टी दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, बलरामपुर चीनी लंबे समय बाद इस स्टॉक में अच्छा एक्शन देखा है, 5% ऊपर। मनापुरम, इसमें खरीदारी रही। पिरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर पॉजिटिविटी रही। मैक्स फाइनेंशियल, M&M फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये भी काफी एक्टिव थे ट्रेड में आज। दालमिया भारत सीमेंट और जेके सीमेंट, इन दोनों में भी अच्छा एक्शन था। रैमको सीमेंट पर भी रखे नजर, इंडिया सीमेंट की तो मैंने बात कर ही ली थी। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर एक्शन रहा। टॉरेंट पावर, आज कारोबार में आखिरी दिन है, ये एक्टिव था। फर्स्ट सोर्स, इसका भी वायदा कारोबार में आज आखिरी दिन है, ये थोड़ा सुस्त था। GMR एयरपोर्ट्स, TVS मोटर्स, NMDC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स, एस्ट्रल, इंडियन होटल्स और पॉलीकैब, MCX, यहां पर भी बढ़िया एक्शन आपने देखा है। 17,100 के ऊपर अनिल जी सीरीज की आपके लिए क्लोजिंग आ रही है छुट्टी से पहले, तो डेज हाई पर बाजार बंद होते हुए अच्छा संकेत है। फाइनल क्लोजिंग का इंतजार करेंगे, बट 40,000 के ऊपर एटलीस्ट प्रोविजनल क्लोज भी आपको आते हुए दिखा है। तो सीरीज की क्लोजिंग अनिल जी थोड़ा अच्छा मूड करते हुए, अभी भी रेंज में है नो डाउट, बट सीरीज की क्लोजिंग अच्छे नोट पर होती हुई दिख रही है सर। ओके, तो ये है सीरीज की बढ़िया क्लोजिंग होती हुई दिखी है। फिलहाल कम से कम हरे निशान में बंद हो रहा है, 166 अंकों की बढ़िया मजबूती बनती हुई भी आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए फाइनल क्लोजिंग आने दें। फाइनल क्लोजिंग 17,100 के आसपास आएगी और बैंक निफ्टी की भी लगभग 40,000 से थोड़ी सी नीचे आएगी। हाँ। थोड़ी नीचे तो बनती है भाई, लेकिन हाँ ज़्यादा नीचे नहीं, 40,000 के आसपास और 17,100 के आसपास की फाइनल क्लोजिंग आपको मिल जाएगी। ओके, बढ़ते आगे। सरकार ने नकली और घटिया दर्जे की दवाओं के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी और इस मामले में 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस हो चुके हैं रद्द और 26 को मिले हैं शो कॉज नोटिस। 6 बजे इसी पर होगी बातचीत, कैसे नकली और खराब दवाएं देश के हेल्थ सिस्टम को कर रही है बीमार और सरकार की ये कार्रवाई जो है सफिशिएंट है या और ज्यादा इनकी मरम्मत करने की जरूरत है। आइए इसी पर होगी हमारी चर्चा। डॉक्टर जयेश लेले होंगे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और साथ ही महेश जगड़े साहब जो कि पूर्व FDA कमिश्नर है महाराष्ट्र के और साथ ही डॉक्टर विरंची शाह प्रेसिडेंट IDMA इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, इन तीनों से करेंगे मुलाकात। शो का नाम तो आप देख ही चुके हैं, नकली दवाई शुरू हुई सफाई। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर टकराव खत्म नहीं हो रहा है और विरोध में आज 19,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर है। राजस्थान सरकार जब इस बिल को लेकर आई तो इसकी चर्चा बड़ी जोर से थी कि आम आदमी को इलाज की गारंटी देने वाला यह बिल पूरे देश में मिसाल बनेगा, लेकिन राजस्थान में ही इस पर बवाल मच गया है। आखिर आम आदमी के इलाज के अधिकार का क्या होगा, डॉक्टर्स कब तक यूं विरोध करेंगे और क्या कोई बीच का रास्ता है, ऐसे सभी सवालों का पूरा विश्लेषण होगा इंडिया 360 डिग्री में, देखिएगा जरूर। गारंटीड इलाज, डॉक्टर क्यों नाराज, रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी होगी। इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें होंगी और फाइनल क्लोजिंग 17,080 के थोड़ा सा नीचे, 129 पॉइंट। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा नीचे, लगभग 100 पॉइंट नीचे, 40,000 से 39,910 पॉइंट। वी आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम, अच्छी क्लोजिंग। फिर भी 250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स काफी समय से अटका पड़ा है, बंद हो गया क्या, थ्रो गए नहीं अमेरिका वाले, चल रहा है सर, बट हाँ एक एक पॉइंट दिख रहा है अभी, 250 पॉइंट क्या है, कभी कभी ध्यान रखना लगे
कि बंदर हिल जाए ना तो रिलीफ मिलती कि चलो चल रहा है, काम करते हुए दिखा। आइए काम करते हुए दिखे पूरे तीन दिन हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट पूरे दिन ने, बीच बीच में एक दो ढाई ढाई एक आध लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ढाई दिन किया, किसी ने एक दिन किया, छुट्टियाँ मारी है। इस बार काफ़ी ऐसा हो रहा है और काफ़ी लोग नीचे देख रहे हैं क्योंकि अगले हफ्ते भी वैसे हम छुट्टी मारने के मूड में दिख रहे हैं, जो कहते हैं पूत के पग पालने में दिख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं अभी। एक को तो आपने पकड़ भी लिया। हाँ, एक को तो बात करते करते पकड़ भी लिया है। तो आइए, लेकिन जितना भी आपने शो में हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी का शुक्रिया, आशीष सर का भी धन्यवाद। और भले ही रेड ग्रीन शर्ट पहनकर आए हों लेकिन पूरी तरह से तेजी के कॉल्स देते हुए दिखे हमारे जय ठक्कर साहब का भी धन्यवाद, और धन्यवाद सचिन सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, लेकिन दीजिए इजाज़त हमें, लेकिन मृत्युंजय का कीजिए स्वागत जो भर भर के हो इतने ज़्यादा लगे। बहुत बढ़िया सर, कमोडिटी बाजार के हमारे एडिटर मृत्युंजय और पूरी टीम के लिए एब्सोल्युटली एक दो तीन चार क्या गजब देखिए। तो ये लॉन्ग शॉट अपना वाला उधर ले गए। अरे मैं वो सोचा चौथा गया क्या? अच्छा ओके, खुद का अवार्ड अपने पास में, वेरी गुड, यू रियली डिजर्व, बहुत बहुत बधाई मृत्युंजय, पूरे कमोडिटी बाजार की आपकी टीम को, हमारी सारी टीम को, और जो अद्भुत और बढ़िया काम आप कर रहे हैं उसके लिए जो इब्जा ने सारे इतने अवार्ड्स दिए हैं, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और अब आपके केबिन में सर जगह बची नहीं है, सेल्फ में रखेंगे कहाँ इसको? केबिन बड़ी कर लेंगे। केबिन बड़ी अच्छा आइडिया। और नहीं वैसे तो हमने ऑलरेडी एक बड़ा अरेंजमेंट रिसेप्शन पे भी कर लिया है, आधे से ज्यादा वहाँ हो गए हैं, केबिन में तो ठूस ठूस के भरे हैं। एक और शेल्फ बनता है सर, और बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनता है, और जरूरत पड़ने पर, और न्यूज रूम में भी तो शुरू हो रहा है अवार्ड सीजन। अवार्ड सीजन हो रहा है, इस बार भी शुरू हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है। देखिए कई लोग कहते हैं अरे हर साल मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हर साल मिलता है तो उसके लिए हर साल काम भी तो करना पड़ता है। इस साल मिल गया, अगले साल काम नहीं करेंगे तो अगले साल नहीं मिलेगा जी। और प्लस ये कि थोड़े दर्शक भी और अवार्ड देने वाले लोग भी आपसे फिर और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। बार आपका जो है जो बेस है और वो ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है, तो उस बेस को बनाए रखने और बढ़ाने में हमारी टीम जो काम कर रही है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी पार्टी भी है। बिल्कुल सर, वो आप तो करिए काम। हम जाएंगे पार्टी। मैं भी चाहता था जल्दी ब्रेक लेके उधर।